परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुकुल जी कानितकर, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय महिला व बाल विकास मंत्री, हमारे हरियाणा प्रांत के माननीय कुलपति महोदय, शिक्षा से जुड़े हरियाणा प्रांत के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, इस क्रांतिकारी और युग परिवर्तन को लाने वाली शिक्षा नीति में जिन लोगों का सक्रिय नीतिगत और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, वैसे इस सभागार में उपस्थित बंधुवर एवं भगनी, यूट्यूब और फेसबुक से हरियाणा प्रांत में अनेकों कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े भाइयों और बहनों, भारत राष्ट्र एक बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा में वर्षों से था। स्वतंत्रता के बाद कई प्रयास हुए, बड़े परिवर्तन भी हुए, परंतु एक परिवर्तन की योजना लगभग 5 साल बनती रही। पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर संस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीयों के साथ इतने परामर्श हुए, लाखों परामर्श हुए, और उसके आधार पर एक नीति की घोषणा एक वर्ष पूर्व हुई। ये नीति कम है, कार्य योजना अधिक है। क्या करना है, किसको करना है, कब करना है और इसके परिणाम क्या होने चाहिए, ये बड़ा स्पष्ट इस नीति में दिया हुआ है। ये इसको कहा गया है, कल भी प्रधानमंत्री ने कहा है और अनेकों बार इसको कहा गया है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। इस क्रांति का सूत्रपात हरियाणा में भी करने की अपेक्षा भी है, योजना भी है और कमिटमेंट भी है। इसका अध्ययन, इसके विभिन्न विषयों पर चर्चा, विमर्श और उसके बाद कार्य योजना, ऐसा सन 2019 से प्रारंभ हुआ था, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट पब्लिक डिस्कशन के लिए सर्कुलेट हुआ था। 2019 में प्रारंभ हुआ, उसके बाद लगातार शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से और अधिकारियों से ये चर्चाएं होती रही और शिक्षा नीति की घोषणा के बाद कंक्रीट डिलीवरेबल्स क्या होने वाले हैं इस पे चर्चा हुई। 3 चर्चाओं के बाद जो विभिन्न विभागों ने इस पे निर्णय लिए वो आज प्रस्तुत होने वाले हैं। कुल मिलाकर 2025 तक हर विभाग क्या करके दिखाने वाला है, क्या योजना है और 2025 तक क्या क्या हो जाएगा, ऐसी आज माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख ये प्रस्तुति होने वाली है और इसकी कार्य योजना भी हर विभाग ने बनाई है। बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत कम समय में हमारे अधिकारियों ने, हमारे शिक्षाविदों ने ये डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं, जिनको आज हम सब देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है और कब कब होने वाला है और कौन कौन क्या करने वाला है। ये सब आज की इस संगोष्ठी
में आप सब देखेंगे, और इसके बाद हमें माननीय मुकुल जी का उद्बोधन बनेगा, जिन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में और उसके निर्माण के बाद जब उसकी घोषणा हो गई तो उसके क्रियान्वयन में क्या-क्या करना और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और गजट नोटिफिकेशन चाहिए, उसमें उनकी बहुत सहभागिता रही है। शिक्षाविदों से भी अधिक शिक्षा के बारे में जानकारी और शिक्षा के बारे में जो पॉलिसीज होनी चाहिए उसके बारे में उनकी जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री का भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा आप सबको इस सभागार में आने के लिए और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने के लिए। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जय भारत। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, तीन विभागों की प्रस्तुति होनी है। इस कड़ी में मैं पहली प्रस्तुति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉ. राकेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विभाग की प्रस्तुति दें। माननीय राकेश गुप्ता जी। सभी को नमस्कार। माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महोदया, भारतीय शिक्षण मंडल से आए हुए माननीय मुकुल जी, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी के कोटियाला जी, सभी साथी अधिकारीगण और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ साथ हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का, जिन्होंने नेतृत्व लिया है हमारे प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति को तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए। और साथ साथ माननीय मुकुल जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा में इसको तेजी से लागू करने में इतनी रुचि दिखाई है। हम सभी जानते हैं, इतने प्रेजेंटेशन लोड कर रहे हैं, मैं चर्चा शुरू कर देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी और उसके अंदर सभी कंपोनेंट लिए गए हैं। जो मेरा विषय है वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो प्री स्कूल एजुकेशन बोलते हैं, और उसके अंदर जो टेक्निकल भाषा में आजकल जो उसको कहा जाता है वो कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये एक आधार है, ये एक फाउंडेशन है, क्योंकि अगर प्री स्कूल एजुकेशन यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो स्कूली शिक्षा का बेस अच्छा होगा, सेकेंडरी शिक्षा अच्छी होगी और कॉलेज के अंदर जो हायर एजुकेशन है वो भी निश्चित रूप से बेहतर होगी। इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है, ECCE की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि सभी का समावेश हो, एक एक लड़के एक एक लड़की तक हम पहुँचे जो 3 से 6 साल का है, और गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो हैं उसके अंदर जो गुणवत्ता है शिक्षा की उसके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। हमारे विभाग में ICDS जो होता है, एकीकृत बाल विकास सेवा जो होती है आंगनवाड़ी सेंटर्स में दी जाती है, उसके माध्यम से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा देने का पूरी व्यवस्था की गई है। तो 3 बातें मुख्य संक्षेप में मैं रखूँगा कि क्या है, काम क्या करना है, क्या अब तक कर लिया गया है और आने की रणनीति किस तरह से होगी, ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उसके हिसाब से, जो विजन है स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का उसके हिसाब से हम पूरा इसको क्रियान्वयन अच्छी तरह से कर सकें। तो इसके अंदर 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर एक अनौपचारिक शिक्षा दी जाए, और किस तरह से दी जाए, फ्लेक्सिबल तरीके से दी जाए, खेल खेल में दी जाए शिक्षा, एक गतिविधि पे आधारित हो और इंक्वायरी बेस्ड हो, बच्चे प्रश्न पूछे, लड़के लड़कियां उसका उत्तर दिया जाए और उसको वो अच्छी तरह से समझ सकें। ये सब मुख्य बातें इसके अंदर ECCE के तहत जो हमारी विभाग से संबंधित हैं वो इसके अंदर रखी गई हैं। जो ये ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं ये मेरे विभाग से संबंधित है, इसके अंदर 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी ताकि वो तैयार हो सकें अपने स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी इसके अंदर अपना योगदान दिया है। अक्टूबर में पहली घोषणा इन्होंने की, अक्टूबर 2020 में, ये प्ले स्कूल से संबंधित थी। जो को लोकेटेड स्कूल हैं यानी कि स्कूल के अंदर जो आंगनवाड़ी है
वहाँ पर 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये प्ले वे स्कूल खोलने की घोषणा की थी। और उसके बाद जो अभी बजट सत्र हुआ था मार्च के महीने में, उन्होंने ये घोषणा की जो 21,000 से अधिक जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसके अंदर भी पूर्व प्रारंभिक शिक्षा ECC अच्छे से हो, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री ने दोनों कर दी, जिससे हम सशक्त हुए। और हम इसके अंदर कहना चाहेंगे, बहुत विश्वास से आज यहाँ पे इस सभागार में कहना चाहेंगे कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हमारी है समर्थ हरियाणा की, यानी एक एक बच्चे को समर्थ बनाना। और जब वो बच्चा समर्थ बने और पहली कक्षा में जाए, औपचारिक शिक्षा जब उसको मिलना शुरू हो, तब तक उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग अच्छे तरीके से बन चुका हो। अब तक क्या काम किया गया है उसकी रूपरेखा मैं रखना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत बड़े नंबर्स हैं, 4,30,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 6 वर्ष में हैं। हमारे पास आंगनवाड़ियों की संख्या 25,961 है। इसी तरह से बहुत सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो शिक्षिकाओं का रोल इसके अंदर पूरा का पूरा योगदान इसके अंदर देंगे। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक तंत्र है जिसको हमें अच्छे से चलाना है और सुनिश्चित करना है कि एक एक बालक एक एक बालिका समर्थ हो, पूर्ण रूप से सर्वांगीण उसका जो विकास है वो हो 3 से 6 साल की उम्र में। तो इसकी जो हमने समय सीमा रखी है बहुत महत्वाकांक्षी है। जैसा कि मैंने बताया घोषणाएं मुख्यमंत्री महोदय ने की कि किस तरह से प्ले वे स्कूल होंगे और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पूर्व स्कूली शिक्षा दी जाएगी। इसके अंदर मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, प्रथम नाम से जो NGO है उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में और अंग्रेजी में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए उसको तैयार कर लिया गया है। पिछले कुछ महीनों से इसके अंदर हम काम कर रहे थे। अभी मार्च के महीने में एक और MOU माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय बाल एवं विकास विभाग की जो हमारी मंत्री महोदय हैं उनकी उपस्थिति में एक और MOU इनके साथ समर्थ के साथ साइन किया गया, जिसके अंदर इसको ECCE को पूरे प्रदेश में मजबूत करने के लिए हमने बीड़ा उठा लिया है। जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो ट्रेनर मॉनिटर हैं, जो हमारी CDPOs हैं या हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको ट्रेनिंग का क्रम शुरू हो चुका है और बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट खरीदना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल खरीदना है, स्टेशनरी है और जो दूसरी चीज़ें हैं, उसकी खरीद की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हरियाणा दिवस इस साल होगा 1 नवंबर, इस साल हमारा ऐसा प्रयास रहेगा सारी की सारी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं 25,961 पर या तो प्ले वे स्कूल या जो जो आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर पूर्व स्कूली शिक्षा की सब तैयारी करके इसको हम लॉन्च करने का अपने आप को एक लक्ष्य हम ऐसा निर्धारित करें और आपके सामने आज उसकी चर्चा करेंगे। तो हमें समझना है कि जो समर्थ हरियाणा है इसके 5 उद्देश्य हैं, एक एक बालक एक एक बालिका को जो हमें इसके अंदर लाना है। तो पहला है कि नामांकन बढ़ाना है, एनरोलमेंट पूरी करनी है, एक एक बच्चे को लाना है। अभी ऐसा देखा गया है 30 से 40% बच्चे ही आते हैं, जो बच्चे हैं भी वो उपस्थित नहीं होते, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। जो फाउंडेशन है सीखने की, जो नींव है उसको अच्छे से एस्टैब्लिश करना है और एक सस्टेनेबल इसको बनाना है, स्थायी प्रभाव हो। ऐसा ना हो कि 6 महीने काम हो फिर आगे अगले 5 साल काम ना हो, ये स्थायी कैसे हो, सस्टेनेबल कैसे हो, उस पर हमें ध्यान देना है। उसके अलावा जो समुदाय है, जो पंचायतें हैं और इसी तरह से विशेष रूप से जो माँ बाप हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनको किस में किस तरह से हम इसके अंदर जोड़ें। तो कुल मिलाकर जो नई शिक्षा नीति है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है उसको हम आगे लेकर जो हमारी ECCE की जो परिकल्पना है हमने उसको की है और उसको हम तेजी से इम्प्लीमेंट पूरे हरियाणा में उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो काफ़ी काम हो चुका है और चीज़ें की जा रही हैं और प्रयास हमारा यही कि 1 नवंबर तक पूरे हरियाणा भर में, मैं इसमें विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो 5 काम कहे गए हैं कागजों में हैं, वो उसमें एक महत्वपूर्ण काम पूर्व स्कूली शिक्षा है, लेकिन कई वर्षों से इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। लेकिन नई शिक्षा नीति के चलते प्रदेश में, प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम इसको फुल फ्लेज हम लॉन्च अप करने वाले हैं 1 नवंबर से। इसके अंदर जो सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, प्रथम जो संस्था है उनके सहयोग से वर्कशीट बनी है, वर्कबुक्स बनी है। और उसके महत्वपूर्ण एक और बात है कि जो स्कूल रेडीनेस एक प्रोग्राम बनाना होता है, यानी कि 100 दिन का एक विशेष पाठ्यक्रम रखा गया है जिससे 5+ वाले जो बच्चे हैं उनको तैयार किया जाए ताकि जब वो स्कूल जाएं तो पूरी तरह से तैयार हों और अच्छे से पढ़ा सकें। तो ये सारी परिकल्पना की गई है, सारे प्लान्स बन गए हैं और डॉक्यूमेंट फाइनल हो चुके हैं, उनकी प्रिंटिंग इत्यादि का काम शुरू कर दिया गया है। ये स्नैपशॉट हैं इसके अंदर, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसको पूरी तरह से साइंटिफिक आधार पे जो राष्ट्रीय एक्सपर्ट है उनको बीच में शामिल करके ये सारी चीज़ तैयार ऑलरेडी की जा चुकी है।
जैसा पहले कहा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। 88 ट्रेनर मॉनिटर हैं हमारे, जिसके अंदर हर जिले में चार चार लोग हैं, एक CDPO है, दो सुपरवाइजर है और एक डाइट के जो लेक्चरर हैं उनको शामिल किया गया है। इनकी बहुत व्यापक स्तर पे अच्छे से ट्रेनिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी गई है और ये भी देखा गया किस तरह से पढ़ा रहे हैं। प्रथम का इसमें हमें सहयोग मिला। लगभग 870 जो हमारी सुपरवाइजर CDPOs हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी जोर शोर से काम चला था लेकिन मार्च अप्रैल में कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन फिर से अब हमने आरंभ कर दिया है और नवंबर आने से पहले पहले बहुत अच्छे तरीके से व्यापक स्तर पे सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की सबकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। इसके अंदर मेन बात इस चीज़ को देखा गया है कि सहायतार्थ पर्यवेक्षण उपस्थित हो, यानी कि वहाँ पर रहे, यानी कि सपोर्टिव सुपरविजन हो। अल्टीमेटली जब आंगनवाड़ी वर्कर एक शिक्षिका के तौर पर लड़के लड़कियों को कक्षा के अंदर पढ़ाई अनौपचारिक रूप से, तो उसके अंदर क्या उसकी पेडागोजी है, किस तरह से वो पठन पाठन करा रही है और उसको सुपरवाइज करके उसको सुधार किया जाए ताकि लर्निंग हो पूरी तरह से। इसके अंदर जो CDPOs हैं उनको हमने कहा है ये समर्थ संचालक हैं और जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं उनको हमने समर्थ सहायक कहा है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो पूरा सुपरविजन करके, सहायतार्थ पर्यवेक्षण करके और उनको पेडागोजी को ठीक करके सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा, हर बालक, हर बालिका समर्थ बने। एक भी बच्चा इसके अंदर किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन सेकेंड वेव हुई तो उसके अंदर हमने व्हाट्सएप, SMS, टेलीविज़न, एजुसेट, स्कूली शिक्षा विभाग के साथ मिलके जितना यथासंभव था, हर बच्चे तक तो नहीं पहुंच पाए लेकिन ऐसा प्रयास रहा 50-60% बच्चों तक जो नई ये परिपाटी पूरी रखी गई है उसके आधार पे थोड़ा बहुत शिक्षण आरंभ हो। कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर हम विजिट करें जहाँ पे इस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, बहुत खुशी होती है उनको देख के किस तरह से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो रुचि ले रही हैं और जो बच्चे हैं वो कितना इसके अंदर इंजॉय कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो प्राइवेट प्ले स्कूल की तरफ या प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान है उसको हम वापस लाने में हमारी जो सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको हम अच्छे तरह से इसके अंदर ला सकेंगे। तीन हम इसमें पद्धतियाँ तरीके हैं। पहली बात यह है कि हम इसके अंदर व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन योजना पूरी तरह से सबको भागीदारी सुनिश्चित करके करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करेंगे पर्यवेक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए और आंकड़ों के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के लिए, और साथ साथ एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए गेमिफिकेशन का भी हमने प्रावधान रखा है। ऐसा भी कल्पना की गई है कि जिले के जो उपायुक्त हैं उनका सहयोग लिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री के जी के जो सुशासन सहयोगी हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा ताकि जो शिक्षा की जो नींव है, फाउंडेशन है जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर हो सकती है उनको हम और से अधिक मजबूत करें। अब अंतिम आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हमारी रणनीति क्या है, जो अब ये स्टेप्स लेने हैं, इसके अंदर तीन विशेष रूप से हमें चीज़ें अब करनी पड़ेंगी कि लार्ज स्केल हम एनरोलमेंट करें, दाखिला कराएं, बच्चों को लेके आएं। इसके अलावा अक्टूबर के माह में जो हमारी माताएं हैं, पिता कम आते हैं तो माताओं की क्लासेस के रूप में यहाँ पे कहा गया है, उनको बुलाकर उनको प्रेरित करके किस तरह से वो भी बच्चों को सिखा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी की जाएगी आंगनवाड़ी वर्कर्स यानी शिक्षिकाओं के साथ। ये सब प्रयास इसके अंदर रहेगा। जो पूरा करिकुलम बना है, सिलेबस बना है, पाठ्यक्रम बना है, उसके अंदर जो गणित है वो कैसे हो, भाषा के ज्ञान कैसे दिया जाए, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक को कैसे दिया जाए और इस तरह से सामाजिक भावनात्मक जो ट्रेनिंग है बच्चे की वो हो, एक साथ में एक और है बौद्धिक विकास कैसे हो, वो सारी कल्पना की गई है। एक मैं छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, बच्चे की असेसमेंट किस तरह से हो, आंतरिक मूल्यांकन कैसे हो, इस तरह की एक 4 पेज की रिपोर्ट कार्ड है जिसके अंदर बताया है कि बच्चों के किस तरह से स्किल होंगे, किस तरह की चीज़ उनको आनी चाहिए, उसकी एक एक चेकलिस्ट है पूरा स्टैंडर्डाइज वे में। ऐसा नहीं कि हम आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर छोड़ दें और उसको क्वालिटी को कंट्रोल ना करें। जैसे बताना चाहूँगा, अगर हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो बच्चों को ये आना चाहिए कि वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाए, क्रम से लगा पाए और बोल पाए, रंग पहचान पाए, इसी तरह से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्पर्श करके पहचान पाए। एक इस तरह से कुछ अभिनंदन पत्र इस तरह से भी कुछ बनाया जाएगा ताकि बच्चों को हाथ में कुछ मिले और उनको ये लगे कि हमने कुछ सीखा है और कुछ जाना है। तो इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसके अंदर आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, हर 3 महीने में एक बार इस तरह की रिपोर्ट कार्ड्स को भरा जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आंतरिक मूल्यांकन जब हम करते हैं तो शायद हम अधिकतर बार सच नहीं बताते, सच्चाई सामने नहीं आती। तो इस बात को रखने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करने के लिए समर्थ घोषणा करके हमने रखा है, ये हमारे अनुभव सक्षम हरियाणा में रहे, स्कूली शिक्षा में भी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
काफ़ी हमें इसमें लाभ मिला। जो ब्लॉक्स सेल्फ नॉमिनेट करेंगे उसके अंदर हम एक्सटर्नल असेसमेंट करके और उसके अंदर जांचेंगे, जैसे असर प्रथम असर की रिपोर्ट आती है, इसी तरह से हम थर्ड पार्टी खुद हायर करके जब असर करेगी तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी हरियाणा अग्रणी प्रदेशों के रूप में है। इस तरह से ब्लॉक को समर्थ घोषित होगा, पूरा जिला होगा, और जब सारे जिले सारे बच्चे उस तरह से हो जाएंगे तो हम कह पाएंगे कि पूरा हरियाणा समर्थ हो गया है। हमारे जो बच्चे हैं 5 साल 6 साल से छोटे वो पूरी तरह से काबिल हैं स्कूल जाने के लिए और उनका जो विकास है सर्वांगीण विकास है वो हो रहा है। क्योंकि ये जो समय सीमा है 2025 के लक्ष्य हैं जो नई शिक्षा नीति में कहे गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी मार्च 2022 तक यानी इसी हमारा जो साल है उसके तहत हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये सारे स्टेप्स उठा के और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी शुरू कर देंगे तो पहला साल जो है ये एक ट्रायल के तौर पे सारी आंगनवाड़ियों में 25,961 में चलेगा और उसमें जो हमें सीखने को मिलेगा चाहे आंतरिक जो असेसमेंट है या एक्सटर्नल असेसमेंट जो भी की जाएगी उससे जो हमें सीख मिलेगी उससे जो हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्या और प्रशिक्षण करना है, कौन सी स्किल्स सिखाना मुश्किल हो रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, इसी तरह से क्या और क्षमता बिल्डअप करनी है वो सब किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सहायतार्थ पर्यवेक्षण है सपोर्टिव सुपरविजन है आंकड़े हैं मॉनिटरिंग है ये तो लगातार करना ही पड़ेगा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से हम प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं और जो समर्थ घोषणा की बात कर रहे हैं और पूरा समर्थ हरियाणा की बात कर रहे हैं कि एक एक बच्चा 6 साल से छोटा जो उसको जो बेसिक एजुकेशन है ECC पूरी तरह से मिले, और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से जो इसके अंदर इतनी तेजी से काम कर रहा है और एक एक बच्चे को कवर करने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है और उस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से निवेदन, एक बार मंच पर पुनः पधारेगा। आपको हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से पुस्तक भेंट की जानी है। माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती कमलेश ढांडा जी से निवेदन कि आप डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को पुस्तक भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं और आप महिला एवं बाल विकास विभाग में आयुक्त के पद पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम एजुसेट केवल और जियो टीवी पर पूरे प्रदेश में लाइव है। इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम हरियाणा के प्रत्येक विद्यार्थी प्राध्यापक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंच रहे हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरी प्रस्तुति के लिए शिक्षा विभाग से माननीय श्री महावीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विभाग की प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आप 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। आप शिक्षा विभाग में स्कूली शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। पंडित महावीर सिंह जी, आज के इस समारोह में विशेष तौर पर पूरे हरियाणा के शिक्षाविदों को यहाँ पर इकट्ठा करके जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी रूपरेखा, उसका क्रियान्वयन और आगे की रणनीति क्या होगी, इस सोच और इस प्रदर्शन के मार्गदर्शक क्रम श्रद्धे मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, शिक्षा मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महिला विकास मंत्री और विशेष तौर पर आज ग्रीमाई उपस्थिति के लिए और हमारे बीच में मुकुल कानिटकर जी आए हुए हैं, मैं उनका भी अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये सारा कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है जो काउंसिल के माध्यम से प्रोफेसर कुठियाला जी ने एक ये आज हमें एक मंच उपस्थित करवाया है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी आपके सामने महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो बातें रखी गई हैं वो 3 से 6 साल के बच्चों से संबंधित थी और उससे थोड़ा सा आगे चल के किस तरह से वो ये युग परिवर्तन की बात जो कही जा रही है
कि वो बच्चे किस तरह से सक्षम होंगे, समर्थ होंगे और स्कूल में जाके कैसे आगे बढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा विवेचन और आकलन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बात आज़ादी के बाद पहली मर्तबा 1968 में शिक्षा नीति बनी, फिर 1986 में उसका दूसरा रूप आया, उसके बाद 1992 में उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ और आखिरकार हम इस अंजाम पर पहुँचे हैं। एक ऐसा माइलस्टोन हम हमारे समाज के सामने रखने जा रहे हैं जिसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के बारे में आज हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नयापन क्या है और उसमें हमारे सरकार की तरफ से और हरियाणा प्रदेश की तरफ से किस तरह का योगदान है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसी सरकार की, इसी सूबे की और यहाँ की शिक्षाविदों की परिकल्पना थी, जिसमें हमने विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से जब ये परिकल्पना हो रही थी, इसके बारे में सोच विचार चल रहा था, तो हमने ये कहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि स्कूल से जाने से पहले जो बच्चा है उसको भी एक मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार किया जाए कि जब स्कूल में जाए तो समर्थ हो, कुछ समझने की उसकी काबिलियत में और ज़्यादा वृद्धि हो सके। साथ में ये भी कहेगा कि जो मिड डे मील की जो व्यवस्था जो भारत दक्षिण भारत से स्टार्ट होकर पूरे देश में चालू हुई, तो हमने कहा कि इसको भी नीचे भी ले आया जाए, यानी कि नर्सरी से चालू करें और 12वीं क्लास तक लेके जाएं, ऐसी हमारी सोच थी। फिर ये भी कहा गया कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि ये सारे करिकुलम हैं, इसको भी हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है और जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। पूरे प्रदेश में, प्रदेश के माकूल माहौल को ध्यान में रख के एक 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 विषय प्रस्तुति हो सकती है, करिकुलम हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच हो, चरित्र निर्माण की बात हो, राष्ट्र निर्माण की बात हो, तो वन नेशन वन सिलेबस की बात भी हमने सरकार की तरफ से भारत सरकार को प्रस्तुत की। फिर ये भी कहा गया कि ये इस सारी कड़ी में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रखता है हमारा शिक्षक, और इस पूरी पृष्ठभूमि में एक मुख्य कलाकार के तौर पर जो शिक्षक है, किस तरह से हमें उसके गुणों की बात करनी है, उसके ग्रेडेशन की बात करनी है और उसके विकास की बात करनी है, तो ये भी कहा गया। तो इसके अंदर में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है और ये जो टीचर है, जो हमारा जो शिक्षक है, उसकी भर्ती के लिए जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसी हमने एक रूपरेखा सरकार को बना के दी जिसमें टीचर की ग्रेडिंग भी होगी और रैंकिंग सिस्टम भी होगा, और इसी तरह से बच्चों का भी जो है आकलन करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर और स्कूल के स्तर पर पूरा एक ऐसा कार्यक्रम आकलन का चलाया जाए, ये हमने व्यवस्था करके और भारत सरकार को दिखी। अलग से प्रोग्राम हमने रखा गया कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनके बारे में भी एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए और बच्चों को और ज़्यादा विषय रुचिकर लगें, स्कूल आने में उनकी ज़्यादा और रुचि रहे, तो एक ऐसा दिन रखा जाए जिसे बैग फ्री डे, बस्ता मुक्त दिन हो, और उसको हम पूरे हरियाणा में जॉयफुल सैटरडे के नाम से चलाते हैं। अब आप ये नई जो शिक्षा नीति में बुनियादी चीज़ क्या है और उसमें क्या नयापन आया है, क्यों हम इसे नया कह रहे हैं। 10+2 का सिस्टम पहले था, आपने देखा कि 10वीं और 10+2 में जो 12 साल लगाते थे, लेकिन अब सरकार ने, भारत सरकार ने ये हमारे सामने एक विचार रखा है कि बच्चों को शायद इसे और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। 6 साल से पहले जिसके बारे में महिला विकास विभाग के अधिकारी राकेश गुप्ता जी बता रहे थे कि हमें और नीचे जाना होगा, 3 से और 6 साल की जिम्मेवारी भी सरकार ने ली। पहले हम केवल 6 साल से ऊपर जो आते थे बच्चे स्कूलों में, केवल उनकी जिम्मेवारी लेके शिक्षा के बारे में बात करते थे, अब 3 साल नीचे। और दूसरी बात ये गई, भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद ने एक कानून पारित किया 2009 में कि सारे बच्चों को 8वीं क्लास तक और 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा सरकार जिम्मेवारी लेती है और वो उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। लेकिन अब ये बात इस शिक्षा नीति में रखी गई है, शायद इसे और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, 14 साल से बढ़ के आगे 18 साल तक, यानी कि 8वीं से लेके और 12 जो क्लास तक भी सरकार ये चाहती है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात है। तो इन 2 स्तंभों से आपको एक जानकर हर्ष होगा कि 3 साल पीछे और 4 साल आगे, ये भी सोच भारत सरकार की तरफ से आप सबके सामने रखी गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हरियाणा में पहले से ही विद्यमान हैं, जैसे जॉयफुल सैटरडे, शनिवार को हम
सारे बच्चों को स्कूलों में जब लाते हैं तो बस्ता मुक्त होता है, और वो सैटरडे पे केवल हम विषय की बात ना करके जो विषय से बाहर की बातें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात है, उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं, और एक वो जॉयफुल सैटरडे एक अपने आप में एक महोत्सव होता है, उत्सव होता है, बच्चे खुशी खुशी आते हैं, और इसी की वजह से हमारा एनरोलमेंट बढ़ रहा। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा, मंथली असेसमेंट टेस्ट और स्टूडेंट के असेसमेंट टेस्ट का एक पूरा एक सिस्टम हमने ऑलरेडी पहले से बना के रखा है, 2015 से हमारे सूबे में चालू है। स्किल पासबुक, ये बात अब नई शिक्षा नीति में भी कही गई है कि हमें वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना होगा। पहले 9वीं से 12वीं तक की बात की गई थी, अब ये बात कही जा रही है कि 6ठी क्लास से हमें वोकेशनलाइजेशन की बात करनी होगी, लेकिन उस तरह की व्यवस्था हम पहले से ही 2016 से स्किल पासबुक के रूप में हरियाणा में चला रहे हैं। क्विज क्लब्स की व्यवस्था हमने 2017 से की हुई है। एक सुपर 100 प्रोग्राम, नवीन मिश्रा जी शायद यहाँ पे आए हुए हैं और आज उनके बारे में एक और हम उसमें वृद्धि करने जा रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में, जैसे आपने बिहार के सुपर 30 का प्रोग्राम चालू करते हुए उसके परिणाम आपने देखे होंगे, उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की दूरगामी सोच के तहत हमने ये फैसला किया कि 50 बच्चे मेडिकल साइंस के और 50 बच्चे नॉन मेडिकल स्ट्रीम के आइडेंटिफाई करते हैं। इन बच्चों का पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है और उस एंट्रेंस टेस्ट में केवल वही बच्चे शामिल होते हैं जो हरियाणा बोर्ड के जो रिजल्ट आते हैं उसमें मेरिट होल्डर हैं, और उसका प्रवेश लेने के पश्चात हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। और पहले 2 जगह था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने 4 जगह पे ये प्रशिक्षण शामिल किया है, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, पिछली बार इसी प्रोग्राम के तहत 23 बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों से निकल के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जिसे IIT कहा जाता है, जहां से बहुत से हमारे IAS अधिकारी भी बन के निकलते हैं, यहां पे भी हैं, मौजूद भी हैं, विजय जी हैं, आनंद शरण जी हैं और राकेश गुप्ता जी हैं, ये सब लोगों की उन्हीं सोच के मुताबिक हमने ये एक कार्यक्रम रखा, और इस बार हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ये कार्यक्रम भी 2017 से हमारे यहाँ चल रहा है। मिड डे मील में केवल दोपहर का भोजन दिया जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें इनको और ज्यादा समर्थ बनाना है, बलवान बनाना है, बलिष्ठ बनाना है, तो ये कहा गया कि सुबह सुबह इनको दूध दिया जाए। हरियाणा की धरती को कहा जाता है कि हरियाणा शायद यहाँ पे इतनी ज्यादा हमें मिड डे मील की जरूरत नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, इनको जरूरत के साथ साथ सुबह का नाश्ते के तहत भी जो है ना 200 ml दूध हर एक बच्चे को गर्म करके अल्टरनेट पे दिया जाता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है इसको हर दिन दिया जाए जब ये स्कूल चालू हो। इसी तरह से हरियाणा एक ऐसा पहला सूबा है, पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां पे हमारे ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर्स पॉलिसी 2016 से चालू है। और इसके साथ साथ और वृद्धि करते हुए हमने जो हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको पिछले साल उसको भी शामिल किया गया, और ये ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी इतना बड़ा इम्पैक्ट करती है हमारे टीचर्स के, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये टीचर्स हमारी पूरे प्रोग्राम की धुरी हैं। अगर इनकी आत्म संतुष्टि होगी, इनको अपने जगह पे काम करने का ज़्यादा समय मिलेगा और इस दौड़ धूप में नहीं लगे रहेंगे कि हमें ट्रांसफ़र करवाना है। 5 साल तक जो है ना वो अपने एक जगह पे बैठा रहता है जब तक कि वो खुद इच्छा जाहिर नहीं करता है और किसी से कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2016 से चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है और उसके मार्गदर्शक आपके बीच में बैठे हुए हैं, आज आपके सामने ही वो भी बताएंगे किस तरह से ये हम लीड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन की बात हो रही है, ये भी प्रोग्राम हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं, इनका सारा डिटेल मैं आपको अलग से बताऊंगा। जो पहली बार हम ये कह रहे हैं कि 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक निपुण भारत की घोषणा 5 जुलाई 2021 को की थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी की विचार विमर्श और दूरगामी सोच के तहत हम बहुत पहले से प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। फरवरी 2021 से ही हमने इसके बारे में सोचा। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशंस के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशंस के धीर झिंगरन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत शक्ति गई है, बहुत काम हुआ है और आज इसका शुभारंभ करके लोकार्पण हम करने जा रहे हैं, जिसके तहत सारे बच्चों को जोड़ा गया है, टीचर्स को जोड़ा गया है, उनकी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स बनाए गए हैं और उसकी किस तरह से IEC की एक्टिविटीज होनी है वो सब तैयारियां हमने की गई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टीम है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और इस तरह से अगर ये पहला जो मुद्दा है
एनईपी का 2020 का जिसे स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है उसमें हम आपके सामने ये रख रहे हैं। लास्ट वाली बुलेट से अगर देखेंगे कि ये 2025 तक जो करने वाली सारी चीजें हैं 10 में से 6 हमने कर ली हैं या बहुत एडवांस स्टेज पे हैं और 2024 तक इसको आज हम मुकम्मल करेंगे। आज इसका विधिवत हम उद्घाटन भी करवाने जा रहे हैं। दूसरी बात स्टैंडर्ड सेटिंग और एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल की बात होती है कि किस तरह के ऐसे पैमाने तैयार किए जाएं कि अलग अलग स्कूल हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल हैं इसका विवरण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उनके पैमाने तैयार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने कहा है और सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे पैमाना निर्धारित करें और निर्धारित करके सबसे पहले सरकारी स्कूलों पर उसके अमली जामा पहनाने की हम कोशिश करें। और एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि ये जो बीएड की डिग्री करने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी आकलन करें। तो ये सारा फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो चुका है। रीच टू टीच एक ऑर्गेनाइजेशंस है मार्च 2021 में इनके साथ में हमारा ऑलरेडी एमओयू हो गया है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत बड़ी संस्था है हिंदुस्तान की उसके साथ में हमारा समन्वय और तालमेल चला हुआ है। ये फ्रेमवर्क बनाने के बाद स्कूलों को आकलन करने का तौर तरीके और ये फ्रेमवर्क बनेगा और उसी के साथ साथ हम डीएल की एक्सरसाइज करेंगे। ये भी 2024 में जो भारत सरकार ने कहा है उससे पहले एक साल पहले हम 2023 तक ये मुकम्मल करके इसे धरातल पर लेके आएंगे ऐसी हमारी कार्य योजना है। एक बात नई एजुकेशन पॉलिसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है कि शायद हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां सारी की सारी सुविधाएं शायद हम नहीं दे पाएं लेकिन हम कुछ स्कूलों को चयनित करें और उन्हें लक्षित करें कि यहां पे हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और ये उपलब्ध करवाने की एक कार्यक्रम एक रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई है जिसे कहा जाता है क्लस्टर स्कूल। हमारे यहाँ पे 14,442 स्कूल हैं सरकारी लेकिन हमने एक योजना के तहत सेंट्रल मैपिंग करके एनआईसी के माध्यम से पूरा एक सिस्टम बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने वो दिखाया कि 1415 क्लस्टर स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं और इन क्लस्टर्स में हमारी ये कोशिश होगी वहाँ पे साइंस की भी उपलब्धता हो साइंस स्ट्रीम बच्चों को मिले जो टेक्नोलॉजी की बात है और जो हमारी मैथ की बात है ताकि रुझान ज़्यादा साइंस की तरफ बच्चों का हो। अटल टिंकरिंग लैब वहाँ पे स्थापित की जाए और पूरे का पूरा की व्यवस्था वहाँ पे तैयार की जाए। तो ये क्लस्टर्स की जो बात शिक्षा नीति में रखी गई है उस पर हमने बहुत एडवांस में काम किया हुआ है। एक अच्छी सोच और नई परिकल्पना के साथ में सरकार ने ये कहा फैसला किया है कि जो हमारे सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको किस तरह से बैग फ्री गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल का नामकरण करते हुए आइडेंटिफाई किया। पहली फेज में 119 स्कूल फिर 238 स्कूल और तीसरी फेज इस साल में हमें चाह रहे हैं कि 1000 स्कूल इसमें जोड़ के 1418 स्कूल ऐसे हमारे वो होंगे जो बैग फ्री जिसमें बच्चों को बस्ता लाने की जरूरत नहीं है सारी पढ़ाई वहीं पर होगी सारा होमवर्क वहीं पर होगा और सारी की सारी जो कार्रवाई है वो स्कूल में रहेगी। उसके बाद बच्चा खाली हाथ आएगा स्कूल में और खाली हाथ हंसते हंसते जाएगा सारी चीजें सीख के उसके बाद उसको एक इस तरह का कोई बोझ नहीं रहेगा। ये भी एक व्यवस्था सरकार की तरफ से सोची जा रही है। अगली बात यह है कि किस तरह से ये जो हमारे क्लस्टर स्कूल्स हैं इस क्लस्टर स्कूल्स की एक परिकल्पना में एक बहुत बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने रखी। पहले हम केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से हमने चलाते थे ये ऐसे वो स्कूल थे जो जिले का एक अपने आप में एक बहुत अच्छे परिणाम देने वाला और बेस्ट हमारी जो फैकल्टी है उनका एक प्रक्रिया के माध्यम से चयन करके वहाँ पे बच्चों को लेते और आज एक प्राइवेट स्कूल्स को सबसे बड़ी टक्कर देने वाले जो हमारे क्लस्टर जो हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं उनकी संख्या 23 से बढ़ा के अब हमने 137 कर दी है। और ये मॉडल संस्कृति स्कूल हर ब्लॉक पे उपलब्ध होंगे ताकि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को भी वहाँ पे और वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आदेश दिए हैं उस बच्चा शायद वो दूर दराज के इलाके से उस ब्लॉक में आता है उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाए जैसे प्राइवेट स्कूल्स वाले ये व्यवस्था करते हैं। SMC को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी दें अच्छी क्वालिटी का फिजिकल और ई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सूची है कि इनको पूरे का पूरे को सिस्टम को स्मार्ट क्लासरूम्स और स्मार्ट स्कूल्स के तौर पे तैयार किया जाए। उनकी स्कूल डेवलपमेंट प्लान हमने बना ली है क्लस्टर्स की भी प्लान हम बना रहे हैं और हम ये 2025 की जो परिकल्पना है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको एक साल हम पहले मुकम्मल कर लेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में काफ़ी तफसील से राकेश गुप्ता जी ने बता दिया है उसमें हमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक बात मैं कहूँगा एक समन्वय और तालमेल की जो बात होती है स्कूली शिक्षा विभाग
और महिला एवं बाल विकास विभाग दोनों में एक अच्छा तालमेल बने, और इसके साथ साथ किस तरह से जो काम हम कर रहे हैं उसको एक बाहर की एक संस्था के साथ में भी जोड़ के इस सारी व्यवस्था का मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को देखा जाए, तो ये तीनों विभाग, दो विभाग और एक उस सिस्टम का एक MOU हमारा हो गया है, उसके बारे में डिटेल्स में आपको बात बता दी गई है। एक बात जो शिक्षा विभाग की तरफ से इसके साथ में जुड़ती है, जिसके बारे में राकेश गुप्ता जी जिक्र कर रहे थे, तो जो आइडेंटिफाई हुए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनकी ट्रेनिंग और उनका कोर्स कोरिकुलम, ये सब हमने तैयार किया SERT के माध्यम से, और एक अच्छे तालमेल के बाद माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं उनको जिले से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, तो SERT ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जिले में जो डाइट्स हैं वहीं पे इन्हीं सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का हमारा ट्रेनिंग हो रहा है। ये सारी डिटेल्स हम पहले से ऑलरेडी आपने देख ली हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा के अगली मद पर आता हूँ। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात कही जा रही है, इसमें जो नीति आयोग ने एक पैटर्न्स बनाया है, हर एक स्टेट्स में से कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, मेवात का जो हमारा नू का जिला है वो उसमें आता है, उसी तर्ज पे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि आप विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखें, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की, माइनॉरिटीज़ की, माइग्रेटरी बच्चों की, या जो लेडीज़ की है, अगर शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई दोष है तो उसको दूर करने के लिए एक अलग से व्यवस्था करें, उस अलग व्यवस्था को ध्यान में रखें। आप देखिए कि ये व्यवस्था पिछली बार 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार की मंजूरी के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति धरातल पर आई, और इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री की सोच आपको ये बात दर्शाती है, उसको हमने कार्यक्रम को समझा, सोच विचार किया, और उसके बारे में बजट में पहले से ही 96 करोड़ की व्यवस्था इसी कार्यक्रम को धरातल पर लाने के लिए, कि जहां हम अपने स्पेशल एजुकेशन जोन बनाएंगे, और जो हमारा जेंडर इंक्लूजन फंड है इसको इसी साल में सारे की सारी चीज़ों को मुकम्मल करने की बात कही गई है। यहाँ एक विशेष स्मरण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हमारे जो आरोही स्कूल्स हैं और जो कस्तूरबा गांधी बाल बालिका विद्यालय हैं, वहाँ पे विभाग की तरफ से ये प्रस्तावना है कि यहाँ पे हमारे हॉस्टल्स रहें, ताकि लड़कियों को खास तौर पे अगर कोई बाहर से आती हैं तो उनकी वहाँ रहने की व्यवस्था हो, और ये भी हम चाह रहे हैं कि ये सारी की सारी व्यवस्था 24-25 में हम कर देंगे। वोकेशनल एजुकेशन की बात हम इस पूरी की पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है कि आज 9 से 12 क्लास में तो ये व्यवस्था है, आज हमारे स्कूलों में भी 1000 स्कूलों में ये व्यवस्था है, जहां हम 14 स्किल्स को हम जो है ना पढ़ाते हैं केवल 9 से 12, लेकिन अब आगे सोच ये है कि इसको इसका और विस्तार किया जाए और 6ठी से 12वीं तक की ये व्यवस्था हो, तो इसलिए हमने एक पूरे स्टेट में करीब सभी जिलों में ये चिन्हित किया है, और 50 इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने बनाए हैं जो वोकेशनल एजुकेशन में और बढ़ावा देंगे, और एक ऐसा स्वरूप उन बच्चों के सामने रखेंगे कि किस तरह से स्किल गैप एनालिसिस करें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्किल गैप एनालिसिस के मुताबिक वही ट्रेड्स आइडेंटिफाई करें, उनका इंक्यूबेशन सेंटर और वो इंडस्ट्रीज के साथ में उनका तालमेल हो, और इस तरह से 50 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसका भी समय लेके आगे से हम मुख्यमंत्री महोदय से इसका भी हम उद्घाटन करवाएंगे। कुछ गाइडलाइंस वोकेशनल एजुकेशन की तैयार की गई हैं जो 6ठी से आगे हैं, आते ही हमें धरातल पर लेके आएंगे, इसमें बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जो 2024 में लेके आएंगे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में भी हमारी व्यवस्था है, जो बोर्ड्स के रिजल्ट्स हमारे सामने आए हुए हैं वो हमारी किस तरह से एनरोलमेंट बढ़ी है, एक छोटा सा मैं समय का अभाव होने की वजह से मैं उसके साथ में आपको एक एक इस स्लाइड के माध्यम से ये दिखा रहा हूं कि किस तरह से 10वीं के जो हमारे रिजल्ट्स हैं, आप देखें कि 2013 में सिर्फ 39% गवर्नमेंट स्कूल्स का 10वीं का रिजल्ट था, अब धीरे से बढ़ते बढ़ते जिस तरह से हमारे प्रस्ताव हुए हैं 60% तक पहुंच गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वो 2013 में जो 60 थे वहां 70 पे पहुंचे हैं, तो इंक्रीमेंटल चेंज हमने ज्यादा किया है। 12वीं की अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से 2013 में अगर हम 57% पे थे तो अब 80% पे पहुंच गए हैं, इसी तरह से 60 से वो 81 पे पहुंचे हैं। तो हमारे जो 12वीं के जो स्कूल हैं, 12वीं के स्कूल का रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से हमारे बेहतर है, ये इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एनरोलमेंट की अगर हम बात करें कि पिछले दो सालों से हमें बहुत मेहनत की है, और इस सारी एक्सरसाइज में आपको ये मालूम होगा
कि आप ये देखेंगे कि जो हमारे जो 9 से और 12वीं क्लास के बच्चे हैं 2013 से लेकर, मैंने आपको डाटा दिखाया है, 75,000 बच्चे हमारे, 7,53,000 बच्चे 9 से 12वीं के हैं। ये ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है, ये सबसे ज्यादा इस साल में हमने 7,53,000 बच्चे 9 से 12वीं में हुए हैं। दो सालों का अगर देखें तो 18% इंक्रीज हुई है। अगर पहली क्लास की अगर हम बात देखें तो सरकारी स्कूलों में 1,75,000 बच्चे हैं, लेकिन अगर ग्रेड 11 की बात करें तो 1,84,000 हैं, और इसका कंपैरिजन मैंने प्राइवेट स्कूल के साथ में दिया है, उनसे बहुत आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। कुरिकुलम एंड पेडागोजीज के बारे के संबंध में चार चीजें हमारे सामने रखी गई हैं और हम ये इसी साल में मुकम्मल करेंगे। ये चार फ्रेमवर्क हैं, स्कूल एजुकेशन से मुतल्लक, टीचर एजुकेशन से मुतल्लक, अडल्ट एजुकेशन से, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सारी की सारी हमारी तैयार हो गई है जो कि इसी साल में हम पूरा कर देंगे। टीचर्स की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और उनकी ट्रेनिंग के बारे में जो निष्ठा एक कार्यक्रम भारत सरकार का है, हरियाणा के 95% जो टारगेटेड टीचर्स हैं उनका सारा का सारा प्रशिक्षण हमने पिछली बार करवाया, और जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2.0 निष्ठा चालू की गई है, उसको भी हम पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे कि इसी साल उसको हम मुकम्मल करवा लें। तो ये 24-25 का जो टारगेट दिया है उसकी बजाय हम 24 में करेंगे। तो मैं आपका इस बात के लिए कि हमें बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज इस सारे कार्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन सी हमने आगे बढ़ानी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारा ये जो कार्यक्रम फंक्शनल लिटरेसी मिशन है, जो सरकार ने, भारत सरकार ने निपुण भारत के नाम से चालू किया था, आज उसका हम विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। सर, तो इसी के साथ में सर आज जो एक बुनियाद का कार्यक्रम है वो भी आज उसका भी हम लॉन्च कर रहे हैं। बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम है जो सुपर 100 के बारे में बता रहे थे, वो केवल हमारा 11वीं और 12वीं का है। नवीन मिश्रा जी सर हमारे साथ में आए हुए हैं, ये जो विकल फाउंडेशंस के प्रधान हैं, खुद IIT मुंबई से पढ़े हुए, IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और पिछली बार जैसे मैंने जिक्र किया 23 बच्चे IIT इनके यहां से निकली, इस बार इनकी परिकल्पना है और सरकार ने उसकी मंजूरी दी है कि जो बच्चे हमारे 9वीं और 10वीं हैं उनको भी अब और ज्यादा प्रशिक्षण दे के 12वीं में और 11वीं में उनकी तैयारी करें। एक लड़की सर कोमल है सर, इंदाचोई फतेहाबाद की लड़की है, पिछली बार भी हमने दिखाया आपको, आपके सामने इनको प्रस्तुत किया था, 99.9% मुंबई के कंप्यूटर साइंस में इनका एडमिशन हुआ है सर, और इस बार ये बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मिश्रा जी ये बुनियाद का कार्यक्रम भी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सर। अब मैं अनुरोध करूंगा धीर जिंगरन जी से, जो हमारे FLN के जो है ना जो कार्यक्रम सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशंस और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशंस के हैं, वो इस बुनियाद हमारे जो फाउंडेशनल लिटरेसी मिशंस के बारे में 2 मिनट आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और शिक्षाविद और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे कहा गया है कि कक्षा 3 तक बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणित के सभी कौशल हासिल कर लेने चाहिए, और नीति में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर ये संभव नहीं होता है तो आगे की सारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था एक तरह से व्यर्थ है। तो बहुत जोर दिया गया है इसके ऊपर, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हरियाणा में आज FLN मिशन का उद्बोधन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये जो प्रारंभिक वर्ष हैं बच्चों के, इस समय इनका मस्तिष्क तेज़ी से विकास होता है, और इस समय अगर बच्चे पीछे छूट जाते हैं तो वो आगे कभी भी ये कौशल हासिल नहीं कर पाते हैं। हम लोग पिछले 6 सालों से हरियाणा में काम कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि राज्य में, ज़िले में जो शिक्षक हैं, ABRC हैं, BRC हैं, BRP हैं, ये सभी एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, और आज जो आप लोगों ने FLN मिशन का उद्बोधन किया है, इसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा फील्ड में, और मेरा ये विश्वास है कि हरियाणा निपुण भारत में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाएगा।
और मैं अंत में आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं, तीन संस्थाओं के तरफ से, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और संपर्क फाउंडेशन, कि हम हरियाणा सरकार के साथ आगामी कई वर्षों तक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सब साथ में मिलकर ये इंश्योर करेंगे कि हरियाणा का हर बच्चा ये बुनियादी कौशल हासिल कर पाए। धन्यवाद। अब मैं माननीय महावीर सिंह जी को पुनः मंच पर आमंत्रित करूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह की पुस्तक भेंट कर माननीय महावीर जी का आभार व्यक्त करें। विद्यालय शिक्षा विभाग के प्रस्तुति के बाद उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तुति के लिए मैं माननीय श्री आनंद मोहन शरण जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विभाग की प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आप 1990 बैच के अधिकारी हैं और उच्च शिक्षा विभाग में आप प्रधान सचिव के पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय श्री आनंद मोहन शरण जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उच्चतर शिक्षा मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, मुकुल कानितकर जी, कुठियाला साहब, देसी साहब, अमित अग्रवाल जी, डॉक्टर महावीर सिंह, यहाँ पे उपस्थित सभी VC गण और शिक्षा जगत से जुड़े हुए अतिथिगण, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उच्चतर शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग से जो जुड़े हुए इसमें परिवर्तन के पॉइंट्स हैं, जैसे पहले बताया गया बहुत ही क्रांतिकारी पॉलिसी है, इन दो विभाग से जुड़े हुए क्या क्या बिंदुओं पे क्या क्या आगे कार्रवाई होनी है, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निक्स, कॉलेजेस, हेड ऑफिस की विभिन्न कमेटियां बनाई गई और उसके बाद जो उनके सजेशंस आए उनको एकत्रित करके आज एक जो प्रस्तुति दी जा रही है उसमें हर बिंदु में क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, क्या उनकी टाइमलाइंस हैं और कौन मॉनिटर करेगा, वो सारा रूपरेखा तैयार करी गई है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं 16 पॉइंट्स हैं जिसमें आगे विभिन्न डिलीवरेबल्स को फाइनल करा गया है। अगर हम नेशनल टारगेट्स की बात करें तो शुरू में तो भारत सरकार ने 2040 तक के लक्ष्य दिए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार ये फैसला हुआ है कि हम सभी बिंदुओं पे 2025 तक हम अमल में ले आएंगे। मेन अगर हम चार देखें इसके जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान और डिलीवरेबल्स हैं, फेज्ड मैनर में 2025 तक हो जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज पॉलिटेक्निक लेवल में स्नोबॉल मैनर में एक टाइमलाइंस डिफाइन करते हुए इसको हम कार्यान्वित कर देंगे। एक इसकी जो मेन पहलू है क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम मास मीडिया, पब्लिसिटी, टॉक्स और काउंसलिंग के जरिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। और जो इसका एक अहम बिंदु है, जरिया है, प्रिपेयरिंग अ टीम ऑफ टीचर्स और एक्सपर्ट्स एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उसको करेंगे। अब जो हमारे 16 बिंदु हैं उस पर जल्दी से मैं अपनी पूरी सीमा जो 10 मिनट का समय है उसमें इसको पूरा करना चाहूँगा। सबसे पहला है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इसमें एक हायर एजुकेशन के लिए जो विजन रखी गई है मेन है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हों जिसमें कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स की स्टडीज हों, ना कि केवल ह्यूमैनिटीज़ है तो जहाँ ह्यूमैनिटीज़ है वहाँ एथिकल वैल्यूज़, साइंस स्ट्रीम्स भी हों जहाँ साइंस स्ट्रीम है
वहाँ आर्ट्स की भी हो। इसमें एक बहुत अहम चीज़ है रिवैम्पिंग करिकुलम, पेडागॉजी असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट, लाइट बट टाइट रेगुलेशन एंड सेटिंग अप ऑफ मोर कॉलेजेस। सरकार का एक ऑलरेडी अहम फैसला सीएम साहब दे चुके हैं कि 20 किलोमीटर के रेडियस में प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिलेगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और स्किल्स को भी करिकुलम का एक अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। दूसरा बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करना, कोई कोई जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं MDU या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वो ऑलरेडी मल्टीडिसिप्लिनरी है, परंतु बाकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी करें। इसमें एक अहम मुद्दा आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि विद्यार्थी को चॉइस हो कि वो किस में कितने क्रेडिट का कौन सा कोर्स करना चाहता है। MDU और KUK में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बाकी यूनिवर्सिटीज में करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन मास्टर्स प्रोग्राम, अगर कोई 4 ईयर्स का बैचलर करके आया है तो उसको 1 साल का मास्टर्स दिया जाए, और कोई 3 साल का बैचलर करके आया है तो उसको 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम दिया जाए। साथ में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी 5 साल के चालू करे जाएं, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज कर चुकी हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर सिस्टम्स। इसमें अहम चीज़ है मेंटरशिप, मेंटर सिस्टम। कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, कुछ नेसेंट स्टेज में हैं, तो उनको जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो कम डेवलप्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की हैंड होल्डिंग करें। जो एक और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, और मैं तो कहूँगा पूरी नीति का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। विभिन्न कारणों से कोई भी किसी लेवल पे एग्जिट करना चाहता है, 4 साल का कोर्स ज्वाइन करा और 2 साल पे किसी कारणवश निकलना है तो वो निकल सकता है, परंतु उसके वो 2 साल वेस्ट नहीं जाएंगे, उसको कोई ना कोई सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा ज़रूर दिया जाएगा। सिमिलरली वो बीच में एंट्री भी कर सकता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम और स्टूडेंट स्पेसेस, ये इसके अहम मुद्दे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन, ये एक शिक्षा नीति में बहुत ही बड़ा बदलाव है और यूं कहिए कि फोकस एरिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैकल्टी मेंबर्स, अगर कोई बाहर रिसर्च करने एक स्पेसिफिक बिंदु पे जाना चाहता है, MOUs विद डिफरेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, इसमें हम बातचीत का दौर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं विभिन्न जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। जर्मन एम्बेसडर ने अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करी थी। ब्रिटिश काउंसिल ऑलरेडी एडवांस स्टेज में हमारे साथ डिस्कशन में। इसी प्रकार स्टूडेंट्स के भी एक्सचेंज प्रोग्राम और इंटरनेशनल विजिट्स, मोटिवेटेड एनर्जाइज एंड केपेबल फैकल्टी, इस पर पहले भी दूसरे महकमों ने जोर दिया कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ही अहम मुद्दा जिस पर रखा गया, इन सर्विस ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इसमें हमने जोड़ रहे हैं एनुअल इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन को इन सर्विस ट्रेनिंग के साथ। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक VC के ज़रिए सभी मुख्यमंत्री जी और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक VC करी थी, उसमें एक पोर्टल भी लॉन्च करा था। इसमें मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, शिक्षा मंत्री जी और तकनीकी शिक्षा मंत्री जी के डायरेक्शंस में ऑलरेडी 61 गर्ल्स कॉलेज खोले जा चुके हैं स्टेट में, और उनको फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। उससे आगे दिव्यांग स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीमिंग के लिए
ऑलरेडी अष्टवक्र केंद्र एक गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेक्टर 26 पंचकुला में ऑलरेडी सर पिछले सेशन से हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिनको हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज के माध्यम से टीचिंग दी जा रही है। और MDU रोहतक में ऑलरेडी सेंटर फॉर साइन लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट हो चुका है। टीचर एजुकेशन, जो पहले महावीर सिंह जी ने बताया कि BEd पे जोर देना है, परंतु शिक्षा नीति में एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को रखते हुए जो उच्चतर शिक्षा विभाग है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज BA BEd BSc BEd इस पे जोर देगा आने वाले समय में। रीइमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन, पहले भी बताया गया कि वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एक्सक्लूसिव सेंटर्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे, जिससे कि रिसर्च पे विशेष ध्यान दें, विभिन्न एस्पेक्ट्स पे रिसर्च हो। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ HEIs, जैसे पहला कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाए और क्लस्टर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस पर जोर दिया गया। रीजन वाइज कोई जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अच्छा कर रहा है उनके साथ नज़दीक के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को जोड़ा जाए। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर, इसमें न्यू कोर्सेज इन योगा एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी आर्ट एंड म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन आर्कियोलॉजी आर्टिफैक्ट कंजर्वेशन, इस टाइप के कोर्सेज स्टार्ट करे जाएंगे और शुरू में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप्स को इसमें ऐड करा जाएगा। टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, दोनों महकमों में उच्चतर शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2-3 बार रुचि लेकर के हमें निर्देश दिए कि एक हम पोर्टल और डैशबोर्ड्स स्टार्ट करें, जिसमें पूरा लाइफ साइकिल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डे वन, जिस दिन वो एडमिशन लेता है, कौन सी क्लासेस अटेंड करता है डेली बेसिस पे, टीचर ने कौन सी क्लास ली, एग्जाम्स में क्या परफॉर्मेंस रही, और जिस दिन वो पास आउट करता है उस पर वो सारी एक्टिविटीज़ दर्शाई जाएं। इस पर कार्य चालू हो चुका है, अगले 3 से 4 महीने में दोनों डैशबोर्ड्स चालू कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ एप्स, इसमें सर हमने ब्लेंडेड लर्निंग, कोविड में जो 1.5 साल निकले, ऑलरेडी ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग का काफ़ी बढ़ावा मिला। कुछ इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज ने अपना LMS सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार करा, कुछ हमने सेंट्रलाइज हायर करके इस पे आगे चालू कर चुके हैं सर। हायर KG टू PG, ये आखिरी मुद्दा जिस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, इस पे हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MDU में ऑलरेडी इनिशिएटिव लेके स्टार्ट कर चुके हैं। खानपुर कला यूनिवर्सिटी और ढीकरस मूर्थल में भी जल्दी ही इस पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपने देखा हमने जितने पहलू राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, हर एक में हमने डिलीवरेबल्स, क्या टाइमलाइन रहेगी और किसका दायित्व है, करने का बड़ा क्लियर कट रोड मैप बना लिया है। और जैसा सरकार के निर्देश हैं, इंस्टेड ऑफ 2030 हम इनको सबको 2025 तक क्रियान्वित कर देंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डे टू डे बेसिस के निर्देशन में, उच्चतर शिक्षा मंत्री और टेक्निकल मंत्री जी के निर्देश में। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका दिया हमें यहाँ पर प्रस्तुति का। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से निवेदन कि आप पुस्तक देकर माननीय
आनंद मोहन शरण जी का स्वागत है। आप सभी को जो पुस्तक अभी वितरित की गई, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमोचित किया, यह पुस्तक केंद्र सरकार ने पहले पब्लिश की थी इंग्लिश माध्यम से। स्कूल बंद के दौरान जो गृह आधारित शिक्षण में माता पिता की भागीदारी है, उनको गाइड करने के लिए हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती कमलेश टंडा जी, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे गृह मंत्री व तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री अनिल विज जी, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, महाविद्यालय व विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा पत्रकार व छायाकार बंधु, सबसे पहले प्रदेश में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के मौके पर मैं आप सबको, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार ने देश में इस नीति को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपने केंद्र से भी एक कदम आगे बढ़कर 2025 तक इस नीति को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंजन व उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए वे और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। शिक्षा नीति तैयार करने से पहले पंचायती राज संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा अन्य धारकों के सुझावों को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफ़ी समय से बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भी इस नीति में परिवर्तन करना जरूरी था। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का विजन देशवासियों के सामने रखा है। यह नीति इस विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस शिक्षा नीति से पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की अवधारणा की गई है। इसके तहत थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पर जोर दिया गया है। इसमें शिक्षा को व्यवहारिक और रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकेगा। देश का युवा स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। इस नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्त से वंचित ना रहे। इस नीति का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी सत्रों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। बड़ी खुशी की बात है कि इस नीति को लागू करने के लिए प्रदेश में पहले से ही मुकम्मल तैयारी की गई है, जिसका फायदा हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। इस नीति के तहत स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार किया जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास और आवश्यकता ज्ञान व चिंतन को बढ़ाने के लिए अनुभव से जुड़ी शिक्षा पर फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी और उसके पास अन्य पारंपरिक भाषाओं का भी विकल्प होगा। छात्रों को अपनी मर्जी से कोर्स चुनने और छोड़ने की आज़ादी होगी।
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी 11 भाषाओं में होगी। इसके अलावा संकेतिक भाषा को भी नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। अंत में मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवार बनाने के साथ साथ उन्हें हमारी परंपराओं से भी जोड़े रखने में सक्षम होगी। अच्छी पढ़ाई के लिए हमारे बच्चों को अब विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि विदेशों से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आएंगे और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के अपने गौरव को हासिल करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सम्मान के लिए मैं हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी से निवेदन करता हूँ कि पुस्तक प्रदान कर माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। हम सभी के समक्ष एक प्रखर वक्ता, भारतीय चिंतन मंडल के वर्तमान ऋषि माननीय मुकुल कनितकर जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। अब मैं माननीय मुकुल कनितकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सभी को मार्गदर्शित करें। धन्यवाद अमरेंद्र जी। आज के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हरियाणा प्रदेश में क्रियान्वयन के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री, आदरणीय बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंत्री, विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष कुठियाला जी, यहाँ उपस्थित समस्त कुलगुरु, सभी समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण, मातृशक्ति और बंधुओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर के एक वर्ष पूर्व घोषित की गई थी और ये भारत के अंतरात्मा की ध्वनि सारे विश्व के समक्ष मुखरित हुई थी। स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं और भारत अपने स्वयं के भारत बोध को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए तड़प रहा है। वर्षों की दासता के बाद में जिस मानसिक दासता को लेकर के हम चल रहे थे और जो पश्चिम का है वही सर्वोत्तम है और जो हमारा है वह तो निकृष्ट है, इस प्रकार का भाव शिक्षा से भी जा रहा था और उसकी जड़ में ही ये बात थी कि जब तक शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी तब तक राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आप 5 खरब की इकोनॉमी को नहीं प्राप्त कर सकते यदि आपकी शिक्षा आत्मविश्वास निर्माण करने वाली नहीं होगी। तो जिस समय भारत की शिक्षा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास देती थी तब तक भारत विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र था। एंगस मेडिसन की पुस्तक है विश्व का आर्थिक इतिहास और उस पुस्तक में एंगस मेडिसन ने लिखा है कि 15वीं शताब्दी तक विश्व को 46% जीडीपी का योगदान भारत देता था। मेरा भारतीय शिक्षण मंडल का काम करता हूँ इसलिए उस इतिहास को मैं शिक्षा के इतिहास से जोड़ करके देखता हूँ। 13वीं शताब्दी में नालंदा को तोड़ा गया बख्तियार खिलजी के द्वारा और जब तक इस देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे और भव्य सरस्वती के प्रवाह के समान ज्ञान का अजस्र प्रवाह जब तक इस राष्ट्र में चल रहा था तब तक यह राष्ट्र विश्व का हर क्षेत्र में एक क्रमांक का राष्ट्र था। और आज यदि हम इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तकनीक में आत्मनिर्भर नहीं है तो उसका कारण है कि हमारी शिक्षा आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास निर्माण नहीं करती है क्योंकि हमारी शिक्षा विदेशी भाषा पर आधारित है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अंत में आनंद शरण जी के प्रस्तुति में केवल मुझे दिखाई दिया वह भारतीय भाषाओं में KG-PG की शिक्षा। ये महत्वपूर्ण है कि यदि हरियाणा का कोई बच्चा अंग्रेजी को स्पर्श किए बिना इंजीनियर बनना चाहता है
तो उसकी व्यवस्था हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा है। उसको विवशता में अंग्रेजी नहीं सीखने पड़े। मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। मैं तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी रहा, 36 देशों के एम्बेसडर से काम करते थे, अंग्रेजी में मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मेरे अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं। मेरा अंग्रेजी की विवशता से विरोध है कि अंग्रेजी के बिना आप पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी नहीं आती हो तो आप आत्मविश्वास नहीं। इस बात को दूर करने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति करना चाहती है, लेकिन यदि हमारे मन में से वो बात नहीं निकली जो एकेडमिक लीडरशिप है, जो शैक्षिक नेतृत्व यहां पर बैठा है, हरियाणा का शैक्षिक नेतृत्व आज इस सभागृह में और ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, उस शैक्षिक नेतृत्व को शिक्षा नीति को क्रियान्वित, उस शैक्षिक नेतृत्व की जिम्मेवारी है। इसलिए जब तक उस शिक्षा नीति का मूल भाव उसका केंद्र बिंदु जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, यह शिक्षा नीति भारत को फिर से एक बार अपने उस सर्वोच्च, पहली बार सरकारी डॉक्यूमेंट में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग हुआ वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ। 75 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी ड्राफ्ट में 66 पृष्ठों का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो अंग्रेजी ड्राफ्ट है, उसमें अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखा हुआ विश्वगुरु शब्द प्रयोग किया गया है, वो टारगेट है इस शिक्षा नीति का। भारत को अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अपनी समृद्धि के साथ, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विश्व मंच पर पुनः प्रस्थापित करने का लक्ष्य लेकर के ये शिक्षा नीति बात कर रही है, और वह कार्य केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार के द्वारा नहीं होगा। सरकार तो योजनाएं बनाएगी, सरकार तो नीतियां बनाएगी, किंतु उसका क्रियान्वयन करते हैं आप जो लोग यहां पर बैठे हैं, वो शैक्षिक नेतृत्व करने वाले। इसलिए उस मूल भाव को जब हम पकड़ेंगे तो दो बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राण वायु है, एक भारतीय भाषाओं की बात और दूसरी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात, आज की प्रस्तुतियों में मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैंने वहां से प्रारंभ किया विषय को। वो इस शिक्षा नीति का प्राण है, और उससे दुर्लक्ष करके बाकी सब कुछ कर लेंगे, बाकी सबको वोकेशन पढ़ा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसके अंदर की भारतीयता को नहीं जगाओगे, भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी नहीं बनता, 5 खरब की इकोनॉमी भी नहीं बन सकता। केवल आत्मविश्वास के द्वारा ही हो सकता है, और वो आत्मविश्वास भारत बोध से ही हो सकता है, और भारत बोध से शून्य आप कितना भी आडंबर रच लो बाहर का, और कितना भी उनको प्रवीण बना दो, निपुण बना दो, कुछ भी कर दो, भाषाएं सिखा दो, उनको बहुत कुछ सिखा दो, उनकी लर्निंग रीडिंग हैबिट बढ़ा, कुछ भी कर लो आप, यदि उनके अंदर यह आत्मविश्वास नहीं होगा, यह भारत बोध नहीं होगा, तो वह विश्व के विजय का स्वप्न लेकर के वह विद्यार्थी नहीं जाएगा, वो कटोरा मांगता हुआ ही विश्व में जाएगा। वह अपने आप को न्यून मान करके ही विश्व के साथ बात करेगा। जब तक आप बराबरी का मान करके, पिछले 5-7 वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बदली, उसका कारण यह है कि हमने पहली बार विश्व के साथ बराबरी से बात करना शुरू किया। वैक्सीन हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे भी वैक्सीन, हम देश के, दुनिया के 180 देशों में वैक्सीन भेजेंगे, इस ताकत के साथ बात की। और जब उन्होंने कहा कि कोविड लेने वाले को यूरोप में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो हमारी सरकार ने कहा फिर हम आपकी भी वैक्सीन को भारत में प्रवेश नहीं देने देंगे। ये ताकत वाली सरकार पहली बार इस देश में मिली, और वो झलक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की योजना में दिखनी चाहिए, वो शक्ति दिखनी चाहिए। इसलिए उस ड्राफ्ट को, उस 66 पेज के ड्राफ्ट को बहुत ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीयकरण वाला जो विषय, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाला जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में जो वाक्य ये कहता है कि विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को, विश्व की सबसे अच्छी 100 विश्वविद्यालयों को भारत में उनके कैंपस खोलने का या भारत में शिक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, ये जो वाक्य है, इस वाक्य के पूर्व में, पूर्वार्ध में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस,
यह कहता है कि भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को विदेशों में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी और बाद में कहते हैं कि बाहर वालों को भी लेंगे। यह भाव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है। इसलिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालयों से अनुबंध करेंगे, इससे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वविद्यालय केनिया के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, मलेशिया के, उन सारे 120 देशों के जो भारत का नेतृत्व चाहते हैं पर्यावरण के रूप में, शिक्षा के रूप में, केनिया से, मोजाम्बिक से, पैलेस्तीन से, ईरान से कितने छात्र भारत में पढ़ते हैं, उन देशों में जाकर के आपके विश्वविद्यालयों के और कैंपस खोलना ये पूर्वार्ध है। उसके बाद का उत्तरार्ध है कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड को बुलाओ। ये इस शिक्षा नीति का प्राण है। शिक्षा नीति भारत को प्रथम रखती है और भारत को प्रथम रखने के बाद विश्व की बात करती है। इसलिए हमको भी उस दृष्टि से सोचना आवश्यक है। भारत बोध का पाठ्यक्रम पहली कक्षा से और ग्रेजुएशन तक सबको भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक जानकारियों से, भारत का ज्ञान शब्द प्रयोग हुआ है उसमें, नॉलेज ऑफ इंडिया नाम का पाठ्यक्रम सारे पूरे स्तर पर दिया जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस प्रारूप में लिखा हुआ है। हमको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि हरियाणा बोर्ड में हरियाणा का ही, हरियाणा के द्वारा ही दिया जाने वाला, यह सरस्वती की भूमि है, यहां से भारत बोध जाएगा, उसकी तैयारी एससीईआरटी को करनी पड़ेगी। ऋषि गोयल जी बैठे, इसलिए हम केवल और केवल बाहरी आडंबर पर परिवर्तन करके काम नहीं चलेगा, यह अंदरूनी परिवर्तन बहुत आवश्यक है जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्राण है और उसके लिए दृष्टि परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने वाले प्रत्येक का, इसलिए जब नीति आयोग के साथ भारतीय शिक्षण मंडल का जब अनुबंध हुआ और नीति आयोग की उस CSO कमेटी में हमको कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करने के लिए आप क्या करोगे, सबने अपने अपने तरीके से अपना अपना काम लिया, अन्य CSOs ने, भारतीय शिक्षण मंडल ने कहा हम शिक्षकों से बात करेंगे। हमने कहा क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका सर्वोत्तम है, सबसे महत्वपूर्ण वो है, बाकी आप चाहे जो योजना बना दो, यदि शिक्षक उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना मान करके क्रियान्वित नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। इसलिए जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बात हो रही थी, हमने कहा पूरे देश में हम 300 विश्वविद्यालयों में इसको करेंगे। उन्होंने कहा 300 में क्यों करोगे, सारों में करो। उन्होंने कहा हर जिले में एक वेबिनार कीजिए, सेमिनार कीजिए। हमने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा को मिलकर के 750 वेबिनार की योजना बनाई, जिसमें से 497 इस जुलाई महीने के प्रारंभ, जून महीने के अंत में 495 हो चुके थे। 57,000 से अधिक शिक्षकों के साथ बात की, शिक्षकों को कहा चैलेंज क्या है। आज उच्च शिक्षा में 11 भाषाओं में उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा ये 11 भाषाओं में शुरू करने की कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं, सारा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में है। वो छोटे छोटे देशों में जिनकी आबादी और जिनकी जनसंख्या और हरियाणा से कम है, वहाँ पर डच भाषा में, बेल्जियन भाषा में, जिस जर्मनी की बात करते हैं वहाँ जर्मन भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाई जा सकती है और हम हिंदी में नहीं पढ़ा सकते। ये आत्मविश्वास की कमी, यह आत्मग्लानी है जिसके कारण हम हमारी भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज तक शुरू नहीं कर पाए 75 वर्षों में, क्योंकि हमारा दृष्टि ही आत्मग्लानी से भरी हुई। छोटे छोटे जो वो इसराइल इतना सा देश है, वो अपनी भाषा में पढ़ाता है। हमारे बच्चों को हम पढ़ने के लिए पहले रशिया भेजते थे MBBS करने के लिए, अभी चाइना भेजते हैं, वहां जाकर के पहले 6 महीने वहां की भाषा पढ़ते हैं, बाद में मेडिसिन पढ़ते हैं, और आप मराठी में, गुजराती में, हिंदी में नहीं पढ़ा सकते। ये कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता से बाहर लाने का काम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति करना चाहती है और वो प्रारंभ मुझे लगता है कि हरियाणा उसमें सबसे आगे, मतलब संस्कृति का प्रारंभ, सरस्वती का प्रारंभ यहां से, तो हरियाणा को ही नेतृत्व करना चाहिए, और कौन नेतृत्व करेगा। इसलिए हरियाणा में हम क्या ये उदाहरण दे सकते हैं कि एक बच्चा अंग्रेजी को स्पर्श किए बिना उच्चतम, दुनिया की जो सबसे बड़ी से बड़ी शिक्षा है वो प्राप्त कर सके अंग्रेजी को हाथ लगाए बिना, ऐसी व्यवस्था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जबरदस्ती करो, किसी को जबरदस्ती मत करो, जिसको अंग्रेजी सीखना है उसको अंग्रेजी सीखने दो, लेकिन जिसको नहीं सीखना है उसको क्यों जबरदस्ती सिखा रहे। बिना अंग्रेजी सीखे 10वीं पास नहीं हो सकता, क्यों? सर्वाधिक फेल होने वाले बच्चे 10वीं में अंग्रेजी में और गणित में फेल होते हैं पूरे देश भर में।
और फिर जबरदस्ती हम हल्का करके उनको पास कर देते हैं, अंग्रेजी को ऐसी तैसी करके उसको पास करा देते हैं, बाद में उसको अंग्रेजी नहीं आती जिंदगी भर, केवल उसकी आत्मग्लानी उसके अंदर भर देते कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, और सारी जिंदगी उस न्यूनता को लेकर के वो जीता है। इतना स्किल उसके अंदर बाकी किसी विषय का होता है, वो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, वो बहुत अच्छा कवि हो सकता है, वो बहुत अच्छा गायक हो सकता है, वो बहुत अच्छा सुथार हो सकता है, वो बहुत अच्छा प्लम्बर हो सकता है, वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, लेकिन बेचारा सारी जिंदगी न्यूनता लेकर के जीता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये और जो अपने आप को अंग्रेजी आती है, बहुत अंग्रेजी आती है बोल करके अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी अंग्रेजी सुनकर के हमको हंसी आती है, क्योंकि हमने जबरदस्ती सिखाई, उसकी इच्छा ही नहीं थी बेचारे की, हमने थोपी हुई है। और इसलिए हमको यह दृष्टि परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बाहर निकालना पड़ेगा कि अब ये वो अंग्रेजों ने छोड़ दिया था वैसा भारत नहीं है जिसको हर बात के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती थी। 75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद में आज़ादी के अमृतोत्सव में हम अपने अंदर के अमृत को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर की उस जिजीविषा को नहीं जागृत करेंगे, अपने अंदर की उस विजयशालिनी शक्ति को नहीं जागृत करेंगे जिससे हमारे पूर्वजों ने सात समंदर पार जाकर के सारे विश्व को जीता था, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने ज्ञान से, अपने व्यापार से, उसे फिर से जागृत नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कागज बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके 66 पेज बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसके ऊपर बहुत सारी और किताबें आप प्रिंट करोगे, आज भी एक विमोचित कर ली, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित नहीं होगी जब तक हम अपनी दृष्टि का परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए दृष्टि परिवर्तन की अपेक्षा, इसलिए कल प्रधानमंत्री जी का 35 मिनट का भाषण भी यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो उस भाषण में भी मूल बिंदु ये थे, इसके ऊपर विचार करने से ही भारत समृद्ध होगा, संपन्न होगा, फिर स्मार्ट क्लास वगैरह सब आ जाएंगे। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस कोविड में बड़ा परेशान है, हमारे मैंने भारतीय शिक्षण मंडल में हमने उनके साथ काम किया, शायद यहां भी बैठे होंगे, बजट स्कूल्स, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल, यानी केवल बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं, बहुत छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल, आज पिछले साल का जो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है 66% हमारे स्कूली बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 66% 3 साल में ओवरटेक कर दिया प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को, एडमिशन कम हुए वगैरह वो भी स्थिति है, लेकिन प्राइवेट स्कूल बढ़े भी बहुत और लोगों में पढ़ने की इच्छा भी बढ़ी। GER हमारा 30% के लगभग जा रहा है, अभी 28% इस वर्ष हमारा कॉलेज का GER हो गया, ये 28% GER केवल सरकारी यूनिवर्सिटीज के माध्यम से नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो रहा है। उनके लिए प्रोत्साहन देने वाली बातें हम उनके लिए कुछ करेंगे कि नहीं? एक नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस करके एक बहुत बड़ा संगठन पूरे देश में, 1 लाख से अधिक बजट स्कूल उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपके हरियाणा के कुलभूषण जी उसका काम देखते हैं, हमने उनके साथ भारतीय शिक्षण मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते समय उनके साथ काम किया, उसके बाद में इस कोविड के पीरियड में भी हमने उनके साथ 6 वेबिनार किए, एक बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा हो रहा है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको केवल पीठ पे हाथ रख देने के लिए भी कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, यदि उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि एक मानसिकता है, मैंने देखा है सरकारी अधिकारियों के साथ भी, मैं पूरे भारत में बात करता हूं, एक मानसिकता है जो मान करके चलती है कि प्राइवेट स्कूल वाले तो केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो करते हैं, उसमें बुरी बात नहीं है, किंतु उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आपकी जनसंख्या के बच्चे उनके पास में जा रहे हैं, वहां भी अच्छी शिक्षा देना आवश्यक है। इसलिए हमारी पॉलिसी की सोच भी उस प्रकार से बदलने की आवश्यकता होगी, केवल एक साथ सबको सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनकी भी पॉलिसी देख करके काम करने की आवश्यकता है। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इसलिए वो जो क्लस्टरिंग वाला विषय था, उस क्लस्टरिंग वाले विषय में केवल सरकारी स्कूलों की क्लस्टरिंग नहीं करनी है, ये क्लस्टरिंग ये प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को मिला करके करनी है, ताकि रिसोर्स शेयरिंग हो जाए, ताकि अच्छे शिक्षक जो सरकारी स्कूलों के अच्छे शिक्षक है वो प्राइवेट स्कूलों को भी उपलब्ध हो सके, अच्छी लेबोरेटरीज उपलब्ध हो सके। इसलिए वो क्लस्टरिंग की जो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन बातों को ध्यान में रख करके कर रही है, इसलिए इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हम ये पहले से ही कर रहे हैं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा, हम जो पहले से कर रहे हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए शब्दों से प्रेरित है या उसके भाव से प्रेरित है, उसको देख करके उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, उसको परिवर्तित भी करना पड़ेगा, इस बात की तरफ भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आज ये जो कार्यक्रम इतना भव्य आयोजित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए समय दिया, तो मुझे लगता है हरियाणा
मुझे लगता है पहला राज्य है जिस हरियाणा ने इस प्रकार से काम किया। मेरा पूरे देश में संपर्क है, तो आप इस बारे में अग्रणी बने हैं और सारे शैक्षिक नेतृत्व के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल भाव को ग्रहण करके हम जाएंगे और आने वाले 5 वर्षों में ये परिवर्तन करके दिखाएंगे। 4 वर्ष आपने 2025 का टारगेट लिया, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य बहुत शीघ्र यदि प्राप्त करना होता है तो परिश्रम अधिक करने पड़ते हैं और गति से काम करना पड़ता है। वो गति से काम हम करेंगे किंतु दृष्टि को नहीं छोड़ेंगे गति में, वह दृष्टि को लेकर के गति से काम करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मेरी वाणी को विराम देते। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, आप तक भेंट कर सम्मान करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का सानिध्य हम सभी को प्राप्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी को अपने आशीर्वाद से अनुसिंचित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, हरियाणा सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री मुकुल कानितकर जी, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री बी के कोठियाला जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सभी प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण व पत्रकार साथियों, मित्रों, वैसे तो मुकुल कानितकर जी के भाषण के बाद आज हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और कुछ बोलना उचित नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें मर्म को छुआ है कि आखिर शिक्षा का हमारा जो उद्देश्य, शिक्षा का हेतु वो क्या है। ये ठीक है कि शिक्षा शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाती है, बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार में उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको जो बड़ा होता तो सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है, बोलना सिखाते हैं वो भी शिक्षा होती है, आचरण व्यवहार करना सिखाते हैं वो भी शिक्षा होती है। लेकिन शिशुकाल के बाद ये काम समाज का हो जाता है कि किसी भी नागरिक को उसके शिक्षा के स्तर को कैसा बनाना है, किधर लेकर जाना है, क्योंकि विद्या यही वास्तव में हमारा सारा सुख है। विद्या है इति सुखम, अगर ये विद्या ना हो तो हमारे सारे सुख समाप्त हो सकते हैं। तो इस विद्या के कारण से ही हमारा जो जीवन शुरू हुआ, उस समय आज की शिक्षा की तरह शिक्षा नहीं थी, व्यक्ति ने उच्चारण करना पहले शुरू किया, श्रवण करना शुरू किया, मंत्रोच्चार और मंत्रोश्रवण, इसके साथ सारी शिक्षा की पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की और बाद में गुरुकुल शिक्षा शुरू हुई, गुरु शिष्य इस परंपरा से शिक्षा शुरू हुई। फिर आज के काल में आधुनिक काल के अंदर शिक्षा में जो अन्य पद्धतियां ये सब शुरू हुई। हमारा देश जब गुलाम था उस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमको शिक्षित नहीं किया जा रहा था, हमको साक्षर किया जा रहा था। 3 R एजुकेशन दी जा रही थी, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, और इसी में से ये माना जाता था कि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्लर्क की शिक्षा दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, तुमको विचार करना ही होगा कि शिक्षा का हेतु मात्र इतना नहीं है। शिक्षा के स्टेक होल्डर्स में शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, शिक्षण है,
लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु है शिक्षा का हेतु, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम अपने नागरिक को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। आज स्वतंत्र भारत में हम अपने नागरिक को स्वाभिमानी नागरिक अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर देश की आज़ादी स्वतंत्रता उसका अनुभव उसको नहीं हो सकता। आज भी अगर हम उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति के नीचे दबे रहेंगे तो फिर देश की आज़ादी का मतलब क्या है। देश आज़ाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं, 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है, लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं जिन्होंने एक दिशा दे करके हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, क्योंकि बहुत बड़ी संस्थाओं को इसमें एक प्रकार से परामर्श लिया गया, आम जनता से भी परामर्श लिया गया, शिक्षाविदों ने तो यानी परामर्श दिया ही दिया, और लगातार कई वर्षों के इस अभ्यास के बाद ये जो हमारी शिक्षा नीति बनी है 2,00,000 लोगों से भी इसका एक प्रकार से परामर्श लेने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। हमारे यहाँ शिक्षा के कई आयोग बने हुए हैं, यानी 4 आयोग जिनकी जानकारी मुझे है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 4 आयोग बने हुए हैं। सब मिलकर के अभी तक जो हमको प्राप्त करना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिन चीज़ों को मिलाया है, जिसका एक लक्ष्य रखा है कि हमारे देश की संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक शिक्षा हमारे हाथों में हो और ये शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ये शिक्षा दी जानी चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, पंडित मदनमोहन मालवीय हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, सब लोगों ने शिक्षा के नाते से एक स्वावलंबी नागरिक इसकी कल्पना की है। आज कितनी विचित्र स्थितियां हैं, इन स्थितियों में पंडित दीनदयाल जी ने कहा हमको कि क्या विडंबना है कि एक 10 से 15 वर्ष का बालक वो होटल पर कहीं काम कर रहा है, कहीं बाल मजदूरी कर रहा है, और कहीं 80 वर्ष का, 65 वर्ष का, 70 वर्ष का बुजुर्ग वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगा है, और दूसरी तरफ ये नौजवानों की एक बेरोजगारों की लंबी लाइन ये भी शोरगुल कर रही है, बाल मजदूरी भी यहाँ है, बेरोजगारों की लंबी लाइन भी है, और ऐसे वृद्धावस्था में जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं वो भी काम धाम में लगे हैं, ये कौन सा संतुलन है। तो इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमको अपनी शिक्षा नीति में सभी लोगों को मिलकर, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और आम जनता है, इन सबको मिल करके एक विचार मंथन करके जो ये नीति बनाई गई है इसका पालन करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा नीति बन गई है, अब हम प्रदेश सरकार के नाते या हमारी इतनी बड़ी जो फौज है, जो शिक्षाविद हैं, जिन लोगों को इस विषय को आगे लेके चलना है, बढ़ना है, इनको अपने लेवल पर सबको उसको कैसे लागू करना है इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। लागू करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं विभाग की ओर से, आप सब लोगों से मिलकर के, और जो उसमें से एक विषय निकल करके आया हरियाणा के अंदर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। तो इस शिक्षा नीति को लागू करके अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक
21वीं सदी का ऐसा नागरिक बने कि हम सीना चौड़ा करके माथा ऊंचा करके विश्व में खड़े हो सके कि भारतवर्ष जो कभी दुनिया का विश्वगुरु, जिसकी चर्चा हमारे कनिष्ठ कृष्ण जी ने की है कि विश्वगुरु के नाते से फिर अपने आप को स्थापित कर सके। ये काम एक दिशा चाहिए, कठिन नहीं है, एक समर्पण भाव चाहिए, निश्चितता है इसमें। तो समर्पण भाव के नाते से आज उस सामने टीम बैठी है, इससे बड़ी टीम हमारे शिक्षा क्षेत्र की नहीं हो सकती। तो इस नाते से आप सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए, जो चीजें शुरू की हैं, बहुत सी चीजें हमने पिछले वर्ष में शुरू भी कर दी हैं, जैसे 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अभी तक आंगनवाड़ियों के अंदर ही हमारे बच्चे जाते हैं, व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है आंगनवाड़ियों की, वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं, केवल बच्चों को भोजन के नाम से वहाँ आकर्षण होता चले जाते हैं, और फिर हमारी बहनें भी वो उतना ही काम करती हैं, लेकिन बच्चे का जो शिक्षण का जो मजबूत एक यानी आधार तभी बन सकता है कि उन बच्चों को हम शिक्षा देना वहीं शुरू करें। उसमें से जो हमने प्ले वे स्कूल खोले हैं, 4,000 प्ले वे स्कूल खोलने की योजना बनाई है, उन्हीं आंगनवाड़ियों को कईयों को प्रमोट करेंगे, उनकी व्यवस्थाएँ ठीक करेंगे। अभी 4,000 विचार किए हैं, आगे बढ़ करके इस संख्या को और बढ़ाया भी जा सकता है, इन आंगनवाड़ियों का भी और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, इनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से हमने स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल, हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल जिनकी कल्पना की है, तो इन संस्कृति मॉडल स्कूलों के आधार पर भी उन बच्चों का शिक्षण, ये ठीक है कि हम एक साथ सब बच्चों की सारी व्यवस्थाएं शायद ठीक ना कर पाए, संख्या बड़ी है स्कूलों की, संख्या भी बहुत है, हमारे 14,000-15,000 स्कूल हैं, तो 15,000 स्कूलों में सरकारी स्कूलों में एक साथ नहीं कर सकते, लगभग इतने ही 16,000-17,000 प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो सभी में एक साथ नहीं कर सकते, फेज वाइज करेंगे। तो फेज वाइज में जो हमने विचार किया है उसके अंदर अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, उसमें भी 137 स्कूल ही हमने शुरू किए हैं, बाद में शायद 1400 स्कूलों के कितने हमारी योजना है, जो बैग फ्री स्कूल की बात हम करते हैं, तो 1400 स्कूल है। एक एक करके ऐसे इन पग पर आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं आज देख रहा था एक आंकड़ा, 3 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक हमारे देश में 64 लाख अब युवा हैं, बच्चे हैं, सब मिला करके, यानी जिनकी स्कूलिंग होनी है 3 वर्ष से लेकर के और 17 वर्ष तक। मैं मानता हूँ प्लस टू का जो विद्यार्थी है 17 वर्ष तक ही माना जाएगा, कभी 18 वर्ष था, लेकिन आज चूँकि उसकी अर्ली एजुकेशन 3 वर्ष से ही अगर शुरू करते हैं तो 17 वर्ष तक हो सकती है। ये 64 लाख विद्यार्थी हैं अपने प्रदेश में, और प्रदेश में आज भी ड्रॉप आउट रेट कितना महावीर जी, कोई पूरे प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट हमारा अभी साक्षरता के नाते से 82% साक्षरता मानी जाती है, सब बड़े बड़े मिलाकर, बूढ़े मिलाकर या बच्चे मिलाकर कुछ ना कुछ जो ड्रॉप आउट रेट है, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि ये ड्रॉप आउट रेट 2025 तक जीरो कैसे हो जाए। एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी स्कूलिंग नहीं हो रही, और उसको हम ट्रैक करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई हमें बताएगा और तब जाके ध्यान में आएगा, हमने इसका एक सिस्टम बनाया है, परिवार पहचान पत्र इस नाम से इस एक कार्यक्रम चलाया है, सब परिवारों का रजिस्ट्रेशन, उन परिवारों के अंदर हर सदस्य का रजिस्ट्रेशन, और हर सदस्य वो अपनी क्षमता के हिसाब से अपने जो एंगेजमेंट है उसकी क्या है, उसकी व्यस्तता क्या है, क्या वो स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है, या रिटायर हो गया है, रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा है, यानी हमारे 3 वर्ष से लेकर और 17 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं स्कूल के अलावा वो बाहर कहीं हैं तो क्यों हैं, हर प्रकार की उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ये हम करेंगे, और एक एक विद्यार्थी को यानी ट्रैक करेंगे जिसमें से हम जीरो ड्रॉप आउट इस स्थिति को हम ला सकें, इसकी ओर हमारा एक सिस्टम ये हमको बना करके चलना है। स्कूलों में कॉलेजेस में हमने संख्या की कमी नहीं छोड़ी, क्लस्टर सिस्टम हो या प्राइमरी स्कूल हो, हर 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल है, और आवश्यकता हो तो और भी खोले जा सकते हैं, लेकिन
वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता। पिछले दिनों में साहब ने लगाया कि 700 विद्यालय तो ऐसे हैं जब बच्चों की संख्या बहुत कम है, 10, 15, 18, 20, ये भी नहीं चाहिए। उससे भी जितनी उसकी उपयोगिता उन विद्यालयों की होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। उन छोटे विद्यालयों को अगर नज़दीक कहीं स्कूल नहीं मिलेगा तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ये हम करेंगे, लेकिन हर विद्यार्थी को स्कूल में भेजने का काम हम करेंगे और उनका विद्यालयों का शिक्षकों का पूरा उपयोग ये भी होना चाहिए। तो इस नाते से सारी व्यवस्थाएं जो भी नई शिक्षा के नीति के नाते से हमारे जो प्रयास हैं वो हम कर रहे हैं। नई योजना में जो जो चीज़ें समय समय पर सामने आएंगी उनको हम लागू करेंगे। विद्यालयों में विज्ञान और गणित इसकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए महाविद्यालयों का भी मैंने विचार किया, विद्यालयों का भी विचार किया कि जितने अब नए स्कूल हैं उनके अंदर अगर उनको प्रमोट करना है तो वहाँ गणित की और विज्ञान की शिक्षाएं ज़रूर हों, क्योंकि आखिर पढ़ाई के अंदर हर विषय वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में विज्ञान की आवश्यकता भी पर्याप्त है। अभी हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसको और अधिक बढ़ावे की आवश्यकता है। हरियाणा का युवा खेलों में तो निपुण है, ओलंपिक में भी इस बार देश भर के 107 या 8 प्रतिभागी जो गए उसमें से 31 प्रतिभागी केवल हरियाणा से हैं। खेलों में बहुत आगे हैं, आबादी हमारी सिर्फ 2% है और खेल प्रतिभागिता हमारी 25-26% हो गई है, लेकिन ऐसे ही शिक्षा में हमको बहुत आगे बढ़ना है। इसमें हमारे से कई प्रदेश और भी आगे हैं, उनका भी हमको ध्यान करना है। इसमें जो महिला शिक्षा है इसमें भी उच्चतर शिक्षा के अंदर अभी लड़कियों की जो संख्या है वो 32% है, जो कि हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे। उच्चतर शिक्षा में भी महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा ही 50% होनी चाहिए, बराबर की भागीदारी। आखिर शिक्षा में तो कम ज़्यादा का कोई विषय नहीं होना चाहिए, जितने समाज के लोग हैं सबके सब आगे बढ़े। स्कूल शिक्षा में तो पर्याप्त है क्योंकि स्कूल शिक्षा अब सब पढ़ते हैं, कोई ड्रॉप आउट नहीं है, लेकिन उच्चतर शिक्षा में लड़कियां स्कूल को पढ़ने के बाद कॉलेज की पढ़ाई में या उच्चतर जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके अंदर कम जा रही हैं, इनकी संख्या बढ़े इस ओर भी हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास इसकी ओर पर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। हरियाणा में हमारा जो कौशल विश्वविद्यालय, एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय इस नाते से हरियाणा के अंदर स्थापित हुआ है, शायद और कहीं देश में नहीं है, क्यों नेहरू जी? और है कहीं बना है? दिल्ली में बना है अभी। तो फिर भी कौशल विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज केवल शिक्षा और शिक्षा के बाद उसमें उसका कौशल अगर किसी नागरिक का नहीं वर्धन होता है तो उसको आगे अपने जीव अपने रोजगार को बढ़ाने में, अपने अपनी व्यस्तता को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत कठिनाई आती है। एकेडमिक कोर्सेज करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में तो कुछ लोग जा सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन सबको अपना जीवन यापन करने के लिए कौशल की बहुत आवश्यकता है। आज तो सामान्य दैनंदिन जीवन में भी, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, कौशल के विकास की चीज़ें चाहिए। यानी व्यक्ति एक अच्छा हेयर कटर अगर बनना है तो भी उसको कौशल की आवश्यकता है। पुराना जमाना चला गया कि कोई भी अपना कैंची और वो लेकर के बैठ जाएगा कहीं भी और बाल काट लेगा और सब कटवा लेंगे, ऐसा नहीं। आज हर किसी को अच्छे सैलून की आवश्यकता होती है, अच्छे उसको ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों के लिए एक अच्छा कुक, उसको भी स्किलिंग की ज़रूरत है। एक अच्छा पीएन कैसे बने, उसको भी स्कूल सर्टिफिकेट की कोर्स की ज़रूरत होगी। वहाँ भी उसको कुछ ना कुछ भाषा का भी ज्ञान ठीक से हो, ठीक से वो समझ सके, ठीक से अपना काम कर सके। तो छोटे छोटे ऐसे
800 से ऊपर कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे स्किल डिपार्टमेंट ने तैयार किए हैं कि जिनकी शिक्षा दी जा सकती है। और इसमें मैं हमारे राज नेहरू जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत से एमओयूज करके और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी किए हैं, संस्था आयोग कॉरपोरेट जगत के साथ किए हैं, अपने कॉलेजेस के साथ किए हैं और सब शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें इतने सेंटर जो बनाए हैं, लगभग 75,000 नौजवानों को स्किलिंग के कोर्स कराए जाए, यानी सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक, इस प्रकार की जो व्यवस्था की है। इसके लिए हमारा जो स्किल डिपार्टमेंट है और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन है, हमने केंद्र की तर्ज पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये भी बनाया है, तो इसके आधार पर भी हम अपने नौजवानों को जो शिक्षा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी हमने हमारे चाहे प्राथमिक से स्कूलों की संख्या हो, चाहे हमारे कॉलेजेस हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, सब लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और भी आवश्यकता बहुत है। तो इसलिए एक हमने जो व्यवस्था शुरू की पासपोर्ट सहायता व्यवस्था, यानी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को पासपोर्ट दे करके भेजेंगे ताकि उसके सामने अगर उसमें देश के बाद दुनिया में कहीं जाना भी है तो एक उसके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि उसका मन अगर होता कि मुझे विदेश में भी जाना है, जाकर के कुछ देखना है, सीखना है, काम करना है, तो ये व्यवस्था भी हमने कॉलेजेस में शुरू की है। फ्री पासपोर्ट देने की बात हमने की है। सुपर हंड्रेड की बात ये बताई है, तो कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र के अंदर जीवन का जो सुख है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, एक श्लोक गीता में आता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है व्यक्ति में, उसकी योग्यता बढ़ती है। इसी प्रकार पात्रत्वात् धन मापन होती, कि पात्रता से धन आता है, आप पात्र बनेंगे तो धन प्राप्त होगा, और फिर धनात धर्म तथा सुखम, के धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को अगर सुख प्राप्त करना है तो प्रारंभ कहां से करना पड़ेगा, विद्या से। विद्या से प्रारंभ करेंगे तो अंतिम सुख ये व्यक्ति को मिलता है, उसके मन की जो भूख है वो मिटती है। तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ने की जो हमारी कल्पना है, योजना है, उसको विद्यार्थियों को हमको खास करके, मैं यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि उनको समाज के साथ जोड़ने का भी, इसका भी अभ्यास बनाना चाहिए, पर्यावरण के साथ जोड़ने का। ये काम भी हमने शुरू किया हमारी स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों का है कि आज पर्यावरण के नाते कोविड का जो हमने दौर देखा है, ऑक्सीजन का संकट कैसे पड़ा, ऑक्सीजन का संकट इसीलिए है कि वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन की जो कमी है उसके कारण से हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ा, उसको ठीक करने के लिए हमने स्कूली विद्यार्थियों को कहा है कि हर विद्यार्थी एक पौधा लगाए। पौधगिरी के कार्यक्रम में हमने 20 लाख विद्यार्थियों को पौधा लगाने के लिए कहा। अब उसमें कठिनाई है, पौधे लग जाते हैं लेकिन बाद में उनकी उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, क्योंकि वो जीवित रहें, वो पौधे का रूप ले जाए, पौधा लगा के वृक्ष का रूप ले जाए, उनकी जड़ जो पकड़े, तो इसके लिए लगातार उसको 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिलीपींस में ऐसा बताया जाता है कि वहां किसी विद्यार्थी को जब डिग्री लेनी होती है तो उस डिग्री के अंदर अनिवार्यता है कि उसने 10 पौधे लगाए कि नहीं लगाए, तब डिग्री मिलती है कॉलेज से। हम उतना सख्त ना भी करें तो कम से कम अपनी स्कूली शिक्षा के बाद, 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसको जो असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं उसके अंदर जोड़ लें कि हाँ 10 पौधे लगाए हैं तो 5 मार्क्स दे दो, नहीं 10 लगाए तो 5 काट लो उसके, तो उसको चिंता होगी कि हाँ मैंने 10 पेड़ लगाने हैं, 10 पौधे लगाने हैं। ऐसे ही हमने एक और एक आह्वान किया था यूनिवर्सिटी के सभी नौजवानों के लिए और स्कूल कॉलेज के नौजवानों के लिए कि कई बार कई तरह के यानी सर्वेक्षण हम कराते हैं, तो ऐसे सर्वेक्षण हम अपने कॉलेज विद्यार्थियों को जोड़ करके समाज में भेजें ताकि उनको वस्तुतः समाज की पता लगनी चाहिए कि समाज में क्या है।
ये जो परिवार पहचान पत्र का विषय मैंने पहले बताया, उसके अंदर हर परिवार के जो कमाने वाले लोग हैं या जो आयु में 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक के लोग हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी आय साल की कितनी है, ये जाकर के अपने आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ का वो विद्यार्थी रहने वाला है वहाँ 200-300 घरों में उसको भेजो और वो घरों में जाकर के घूम के पता करे कौन क्या करता है, कितनी आय उसकी है, कैसे वो गुजारा करता है, ताकि समाज के लोगों का वो वर्गीकरण कर सकें कौन उच्च श्रेणी का है, कौन मध्यम श्रेणी का है, कौन निम्न श्रेणी का है, कोई योजनाएं बनाए तो उसकी सहायता उसकी कर सकें। लेकिन हमने जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं की उसे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या उसमें काफ़ी कम है। मैंने कुठाला जी को भी कहा था कि हमको 20,000 ऐसे विद्यार्थी कॉलेजेस में से यूनिवर्सिटीज में से लगाओ जो अपने अपने मोहल्ले में इन कामों को करें। हमारे पास तो एक सर्वेक्षण आएगा लेकिन उस कॉलेज के विद्यार्थी का, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का लाभ इतना होगा, उसका समाज के साथ जुड़ाव हो जाएगा, वो अपने समाज से जुड़ेगा, संवेदनशीलता उसके मन में जागेगी, सामाजिक संबंध ये हमको जोड़ के रखना है। आज संस्कार क्या है विद्यार्थी का या कोई भी नौजवान नागरिक, मैं मेरा घर मेरा परिवार यही मेरे लिए संसार, ये उचित नहीं है। उसको अपने आप को आगे बढ़ाना ठीक है, उसकी कुशलता बढ़नी चाहिए, योग्यता बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको सामाजिक विषयों के साथ भी जुड़ना चाहिए, अपने आप को जोड़ के रखना, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। समाज के लोगों का भी हमारे शिक्षा के सिस्टम से जुड़ाव ये कैसे बढ़े, इसके लिए एक प्रयोग मैंने बताया था कि एलुमनाई इनके कार्यक्रम करो। तो एलुमनाई के कार्यक्रम यदि आप करेंगे, जो भी नागरिक आज चाहे देश में है चाहे विदेश में है चाहे अपने स्थान को छोड़ के देश के किसी दूसरे भाग में है, वो अपने प्रारंभिक शिक्षा जहां से लिया वहां से लेकर के उच्च शिक्षा तक जिस भी संस्थान से पढ़ाई की है अगर वो उसके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक उसके मन में भी उत्साह जागेगा। और हमारे उस संस्थान का भी हम विदेशों में देखते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सभी एलुमनाई के सिर पर चलती हैं, एलुमनाइज का योगदान भी होता है। और अपने शिक्षण संस्थानों को हम सेल्फ फाइनेंसिंग करें, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ नहीं बढ़े तो जो विस्तार हम कर रहे हैं इस विस्तार में एक दिन सरकार का कोई भी आदमी अपना हाथ रोक लेगा, भी इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। और अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ बढ़े, समाज में बहुत उच्च वर्ग के उच्च आय वर्ग के लोग बहुत हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी कुछ ना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा अगर दायित्व बनता तो जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है उसके प्रति पूरा दायित्व बनता, उससे कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाकी सबके अपने सारे सिस्टम सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ने चाहिए। एलुमनाई को समर्पण भाव जगाना चाहिए, वो भी उस संस्थान के साथ जुड़े। तो एलुमनाई के कार्यक्रम हमको करने हैं, ये भी हमारे इसी मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पार्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सारे विषयों को हम ध्यान करेंगे। एक हमने और कार्यक्रम शुरू किया स्कूलों के अंदर, खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि अर्न वाइल यू लर्न, जो साइंस की लेबोरेटरीज हैं उसमें भूमि परीक्षण, पानी परीक्षण, खाद्य पदार्थ परीक्षण, इस प्रकार की परीक्षण प्रयोगशाला उसके माध्यम से काम करेंगे तो उसको उसका कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। हमारे 100 ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर लैब्स खोलने की योजना कृषि विभाग ने बना ली है कि वो लैब खोल कर कृषि विभाग देगा और उन विद्यार्थियों को कहेंगे कि इस मिट्टी के परीक्षण करके लोगों को अपने हर खेत की मिट्टी का परीक्षण सॉयल हेल्थ कार्ड जो उसका बना हुआ है उसके हिसाब से करके दीजिए, उनको एक छोटी निश्चित राशि भी है बच्चों को वो मिलती है। तो ऐसे कई और कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, छोटे छोटे जो लघु ट्रेनिंग होती है लघु उद्योग की कोई ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करने की, वो भी हम टेक्निकल कॉलेजेस में अपने या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हम उनको सिखा सकते हैं बता सकते हैं और उसका कोई ना कोई समाज के अंदर एक सिस्टम खड़ा किया जा सकता है कि उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाए। कमजोर विद्यार्थियों को अच्छा विद्यार्थी पढ़ाए, जिसके लिए हमने कहा ईच वन टीच वन, क्या करें अच्छे विद्यार्थी। पंडित दीनदयाल जी के बारे में ऐसा हमने सुना कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ जो कमजोर बच्चे होते थे उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और जिनको पढ़ाते थे उनके एक एसोसिएशन बनाई थी
उस एसोसिएशन में निश्चित जो कमजोर बच्चे हैं वही सदस्य बन सकते थे, और उस एसोसिएशन का नाम था जीरो एसोसिएशन। क्या अर्थ कि जिन बच्चों के किन्हीं कारण से जीरो अंक किसी में आ गए या मानो न्यूनतम अंक आते हैं, वो न्यूनतम अंक वाले बच्चे ही इस एसोसिएशन का मेंबर होंगे और इस एसोसिएशन के मेंबर्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो एक चैलेंज ऐसा भी, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, एक विशेष ध्यान देने का भी। बहुत सी योजनाएं हमारी बनी आज की शिक्षा नीति में, जैसे सक्षम का एक कार्यक्रम बताया या और भी इस प्रकार के जो योजनाएं बताई हैं, कई MOUs हुए हैं, उनके माध्यम से हम सारा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। संवेदन पूर्वक हर व्यक्ति को शिक्षा का दान, शिक्षा दान महादान, विद्यादान महादान जैसे कहा जाता, तो ये भी एक संस्कार अपने आप बनना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे अगर संस्कारों का एक विषय इसमें जोड़ दिया जाएगा तो राष्ट्रीयता, संस्कार, रोजगार, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है निश्चित रूप से सफल होगी। हरियाणा के लोग उसमें देश के अंदर एक बढ़िया काम करके दूसरे प्रदेशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सभी को मार्गदर्शित किया। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी उपस्थित हैं। इनका सम्मान हम पुस्तक के माध्यम से करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन। हम सबों के बीच हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का सानिध्य प्राप्त है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को भी पुस्तक देकर हम सम्मान करें। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजकिशोर कोठियाला जी से आग्रह कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम पुस्तक देकर करना चाहते हैं। आपसे आग्रह कि हम पुस्तक प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कार्यक्रम के अंतिम बेला में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के कंप्यूटर विभाग के प्राध्यापक मंजीत सिंह जी को बुलाऊं। इसके पहले दो सूचनाएं आप सभी के लिए। कार्यक्रम के पश्चात दोपहर की भोजन की व्यवस्था है, और जैसे ही धन्यवाद ज्ञापन समाप्त होगा उसके बाद हम राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय मंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लोकार्पण समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय श्री मुकुल कनेटकर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े माननीय गृह, स्वास्थ्य एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री अनिल विज जी, माननीय शिक्षा, वन, पर्यटन, संस्कृति एवं कला मंत्री श्री कंवरपाल जी,
माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी, उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी व विशेष रूप से जिन अधिकारीगण ने अपनी तथ्यात्मक प्रस्तुति के द्वारा हमें शिक्षा विभाग से संबंधित विभागों की जानकारी उपलब्ध कराई, ऐसे श्री राकेश गुप्ता जी, श्री महावीर सिंह जी, श्री आनंद मोहन शरण जी, सभी कुलपति महोदय व सभी डीन एकेडमिक्स का मैं हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी गरिमामय उपस्थिति व प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लोकार्पण व क्रियान्वयन में हरियाणा प्रदेश भारत के अन्य प्रांतों में अग्रिम भूमिका अदा करेगा। इसके साथ साथ मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग, विद्यालयी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी व आगंतुक बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हरियाणा में शिक्षा की दृष्टि से होने वाले परिवर्तन यज्ञ में साक्षी होकर हमें कृतार्थ किया है। लोकार्पण लोक निर्माण विभाग का यह प्रांगण भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लोकार्पण का साक्षी रहेगा। इसलिए मैं हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं आप सभी आगंतुक बंधु भगनी जिन्होंने हरियाणा की शिक्षा पद्धति को भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी कमर को कसा है, आपका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जन गण मन गति नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामी जागी तब शुभ आशीष मांगी गाहे तब जय गाथा। गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे।